आज हम लोग जो पेपर चालू कर रहे हैं, ये पेपर है तुम्हारा एसीसी पेपर। हाँ, एसीसी पेपर जो तुम्हारा क्या है, लिनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी, एसीसी 3। तुम लोग क्या बोलते हैं कि पेपर क्या है, पेपर लिनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी, गेम थ्योरी। पहले तो मेन काम क्या करना है, इसका कॉपी अलग होगा। हाँ, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी ये चलेगा, एक कॉपी खत्म होगा, दूसरा कॉपी में जाएगा, तीसरा कॉपी में जाएगा, ऐसे चलते जाएगी। क्योंकि टॉपिक्स तो एक पूरा पेपर है ना, बाकी पेपर के साथ, बाकी एसएससी पेपर के साथ इसको कंपैरिजन मत करना, क्योंकि ये पूरा मैथमेटिक्स का पेपर है, ये मैथमेटिक्स का मेन पेपर है। इसको रखा गया एसएससी में, बट ये मैथमेटिक्स का मेन पेपर है, ठीक है। और ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर और स्कोरिंग पेपर भी है, बाकी पेपर से अलग है। कुछ दिन में ही तुमको मालूम चल जाएगा कि बाकी पेपर से क्यों अलग है। ये पेपर बहुत इंटरेस्टिंग पेपर इसलिए होगा क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके साथ इसका कनेक्शन नहीं है, ठीक है, इसमें अलग बात है। तो ये पेपर अलग टाइप का है, स्कोरिंग भी है, और ये फुल्ली मैथमेटिक्स का ही एक पेपर है। तो इसको तुम लोगों को ध्यान में रखना, ये कोई सी प्रोग्रामिंग और पाइथन नहीं है, तो उसके साथ इसको कंपैरिजन नहीं करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी, पहले तो कॉपी, इसका अलग से कॉपी बनाओगे। अब पहले बुक के बारे में बोलते हैं। देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग और गेम थ्योरी में, लीनियर प्रोग्रामिंग और गेम थ्योरी में बुक तो है, मैं बुक लिख दूंगा, बट यहाँ पे तुम बुक लो या ना लो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो मुझे हर एक चैप्टर के ऊपर लिख लिख के नोट्स कराना है। तुम नोट्स को पूरा कर जाओगे तो 100% तुम पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। अच्छा, 100% तुम वहाँ पे पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, फुल स्कोरिंग कर सकते हो। बुक अगर लेने का मन है तो तुम ले सकते हो, या फिर अगर होगा तो मैं एक दो बुक का पीडीएफ दे दूंगा, अगर तुमको लग रहा है ऐसे बुक लेने का फायदा होगा मेरा तो ले सकते हो, अदरवाइज बुक लेने का कोई जरूरी नहीं है। मैं तब भी कुछ बुक वगैरह का नाम बोल दे रहा हूँ। यहाँ पे लिनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी, पहले बुक्स के बारे में बोलते हैं, उसके बाद आ रहे हैं। हाँ, नंबर 1, लीनियर प्रोग्रामिंग, अगर कोई लेना है बुक, लीनियर प्रोग्रामिंग, एक बार रुक जाओ तो, लीनियर प्रोग्रामिंग विथ ग्रुप थ्योरी, सॉरी गेम थ्योरी, क्या लिख रहा, विथ गेम थ्योरी। हाँ, लीनियर प्रोग्रामिंग के साथ गेम थ्योरी है। इसमें जो राइटर होगा, एकेडमिक पब्लिशर का बुक है ये, डॉक्टर सौमित्र मुखोपाध्याय। एकेडमिक पब्लिशर, पब्लिशर कौन सा है, एकेडमिक, पब्लिशर्स, अच्छा होगा तो मैं व्हाट्सएप में तो लिंक भेज ही सकता हूँ, व्हाट्सएप में एक एक करके मैं लिंक भेज दे रहा हूँ। जैसे ये लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी, तो ये लिंक भेज दिया मैंने, ठीक है। तो ये एक तो बुक है, दूसरा वाला बुक जो है ये तुम्हारा है, सब एक ही टाइप का बुक है, किसी को भी तुम ले सकते हो। पहला प्रिफरेंस ये रहेगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से किया हुआ है, 10 ईयर्स का क्वेश्चन, बट कोई मतलब, हालांकि मैं सभी क्वेश्चन करा दूंगा, नहीं तो होमवर्क दूंगा कुछ कुछ क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग विद गेम थ्योरी, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड
गेम थ्योरी आ रहा है, पेपर को चालू करेंगे। हाँ थोड़ा सा पेशेंस रखो, भाग मत जाना कोई। लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी, ये होगा तुम्हारा घोष एंड चक्रवर्ती। ये बुक किसका है? घोष एंड चक्रवर्ती। मैं सबका पीडीएफ पिक्चर भेज दूंगा, सभी बुक का चैप्टर वाइज पीडीएफ ऑलमोस्ट मेरे पास है। तो जैसे जैसे जो बुक होगा उसका चैप्टर का पीडीएफ अगर भेजेंगे तो तुम लोग देख लेना, उसके बाद अगर लग रहा है कि बुक लेना मुझे सर पड़ेगा तो तभी बुक लेना, अदरवाइज नहीं। घोष एंड चक्रवर्ती, ठीक है। घोष एंड चक्रवर्ती, ये क्या लिख दें मैंने, चक्रवर्ती होगा, ठीक है। और तीसरा जो बुक है कार्ड, सब एक ही टाइप का बुक है, किसी को भी ले सकते हो। लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी बाय औरूप मुखर्जी, बेज मुखर्जी। लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी बाय बेज मुखर्जी, बेज एंड मुखर्जी, बेज एंड मुखर्जी, ठीक है सब लिख लेना। बेज एंड मुखर्जी, कोई कुछ मैसेज वगैरह कर रहे हो तो कर सकते हो। हाँ ठीक है। नंबर 4, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा मुझे बोलना, अच्छा। कहीं पे भी कोई दिक्कत होता है, लाइव क्लास करने का तो यही बेनिफिट होता है। बेज मुखर्जी, ये तीसरा हो गया। अरे एक बुक आता है पीएम कारक, पीएम कारक का एक बुक आता है, ये भी बुक बहुत अच्छा बुक है। लीनियर प्रोग्रामिंग लीनियर प्रोग्रामिंग, जो जो अच्छा अच्छा बुक है मैं लिख दे रहा हूँ। एंड थ्योरी ऑफ गेम, इस बुक का नाम है थ्योरी ऑफ गेम्स। कम से कम बुक क्या क्या है एक बार मालूम होना चाहिए, कौन कौन अच्छा अच्छा बुक है। ये सब बुक अच्छा अच्छा बुक है। पीएम कारक, ये सेंट्रल पब्लिकेशन बुक है। पीएम कारक, लीनियर प्रोग्रामिंग नंबर 5, लीनियर प्रोग्रामिंग बाय कृष्णा सीरीज का एक बुक आता है, ये भी एक अच्छा बुक है। लीनियर प्रोग्रामिंग आर के गुप्ता का, हालांकि इसमें 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 गेम थ्योरी नहीं है, इसमें गेम थ्योरी नहीं है, सिर्फ लीनियर वाला पार्ट है। लीनियर प्रोग्रामिंग बाय आर के गुप्ता, बाय आर के गुप्ता, आर के गुप्ता, अच्छा कृष्णा सीरीज, कृष्णा सीरीज, ये जो बुक है ये किसका है? कृष्णा सीरीज का बुक आता है। कृष्णा सीरीज तुम्हारा दिल्ली पब्लिकेशन का है, ये बुक बहुत चलता है ऑल ओवर इंडिया में। इस सीरीज का जो बुक चलता है बहुत चलता है, कृष्णा सीरीज बुक ऑल ओवर इंडिया में ये बुक बहुत चलता है। कृष्णा सीरीज बुक, मतलब जैसे हम लोग कलकत्ता में डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशन है, एकेडमिक पब्लिकेशन है, यू एंदोर पब्लिकेशन है, तो दिल्ली में कृष्णा सीरीज है। इसका ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स का जितना सारा ब्रांचेज है सभी का बुक बहुत दिन से लोग निकालते हैं, बहुत पुराना पब्लिकेशन है ये कृष्णा सीरीज। जनरली जो सब मैथमेटिक्स का ग्रेजुएशन वगैरह का एग्जाम है ये बुक को फॉलो किया जाता है।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यूपीएससी वगैरह में जो सब मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर होता है वहां पे इसी बुक से ज्यादातर क्वेश्चन दिया जाता है, हम लोग का एग्जाम में नहीं, बट ये क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा एज ए रेफरेंस के बेस पे मैं बोल रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे तो हम लोग मेनली ये सब बुक फॉलो करेंगे, सौमित्र मुखोपाध्याय, भूषण चक्रवर्ती, बेज मुखर्जी, पीएम कारक, बट ये भी एक अच्छा बुक है कृष्णा सीरीज का। नंबर सिक्स जो जो बुक है मैं लिख दे रहा हूँ, अच्छा अच्छा बुक है, बाकी सब बुक मैं ले लिखूंगा। एक बुक शायद था उसका नाम ही तो याद नहीं आ रहा है, वहाँ पुंदीर, पुंदीर का बुक है, एक पुंदीर का बुक है, सुधीर कुमार पुंदीर, लिनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी, लिनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग एंड या फिर विथ, ये विथ है, विथ गेम थ्योरी, लिनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी, ये तुम्हारा है क्या? सुधीर कुमार पुंदीर, सुधीर कुमार पुंदीर। सुधीर कुमार पुंदीर, अच्छा वो वाला सुधीर नहीं है जो आज तक में आता है। वो वाला नहीं है, सुधीर कुमार पुंदीर है, दूसरा वाला है। देखो ये टोटल 6 बुक है, और भी बुक है, मैं वो सब का नाम नहीं लिखा कि वो सब बुक मुझे मुझे इतना लग रहा है उतना अच्छा बुक नहीं है। अच्छा बुक नहीं है मतलब उतना क्वेश्चन वगैरह सॉल्व नहीं किया गया, और भी तो अच्छा अच्छा बुक है। ज्यादातर मैं जो जितना सारा बुक लिखा है सब में इंडियन ऑथर का ही लिखा है, बुक फॉरन ऑथर का मैंने इसलिए बुक नहीं लिखा क्योंकि फॉरन ऑथर के बुक में थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू होता है। तो ये बुक वगैरह लिख दिया, बुक का जो जो नाम है तुम लोग लिख लिए हो, अब सर ये बुक ले या ना ले, एक भी बुक नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, पूरा नोट्स में तुम देखना सब कुछ आ जाएगा। मैं पूरा नोट्स, ये तो मैंने 5-6 बुक मेनली जो मेरा नोट्स वगैरह है ज्यादातर ये 6-7 बुक में ही ज्यादातर कवर हो जाता है, बट और भी जो बुक्स है वहां से भी मैं अपडेट करता हूँ, बट तुम लोग को जरूरी नहीं है क्योंकि नोट्स में तुमको सब मिल जाएगा। तो बुक के बारे में ये बोल दिए, बुक लेना तुम्हारी मर्जी है, अगर लग रहा है कि लेना है तो ले सकते हो, अदरवाइज नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बुक के बारे में बोल दिए, पेपर जो हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग गेम थ्योरी पेपर पढ़ेंगे, ये पेपर कौन सा पेपर है? ये पेपर है मेरा एसीसी का पेपर, एसीसी का पेपर है ये, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी। पेपर नेम क्या है? पेपर नेम है मेरा एसीसी, एसीसी, SEC 3, SEC 3, अच्छा SEC 3, वो सब क्या नाम है वो तो तुम लोग जानते हो, पेपर का ऐसा कोर्स कोड जो मैं देख पा रहा एक बार वो तो, हाँ कोर्स कोड ऐसा लिखा है MATH, उसके बाद H, रुक जा, SEC 3, उसके बाद फिर से 3, सर उसके उठा ना बाद सर MTHM हाँ 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 क्या सर MTHM सर एम जिधर टी एच MATH दिखे थे ना उठा MTHM सर एच एम हो जाए बोलचो, देखा तो MATH দেখাচ্ছে সিলেবাসে, যেটা তোমাদের এ সিলেবাস আছে নিউ সিলেবাসে, ঠিক আছে ওটা তোমরা একবার তারা দেখে নিও। হ্যাঁ এরকম লেখা আছে, আমি এটাই লিখে দিলাম কোডটা, ঠিক আছে SEC 3 পেপার ক্যা হ্যায় ইয়াহাঁ পে SEC 3, ঠিক আছে পেপার ক্যা হ্যায়, পেপার হ্যায় মেরা SEC 3। तो ये जो पेपर है ये पेपर को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, मैं पहले कुछ बात बोल दूं, ये पेपर का एक प्रॉब्लम एप्लीकेशन बेस्ड टाइप है और एक थियोरिटिकल बेस है। इसको ये जो पेपर है ना, मैं तुम लोगों से कुछ बात पूछ रहा हूँ, ये जो पेपर है इसमें एप्लीकेशन बेस्ड टाइप जो क्वेश्चंस है अगर तुम वो सब कर लोगे ना तो एग्जाम में ऑलमोस्ट 85 से लेके 95, 85 से लेके 90 तक, या फिर 80 से लेके 90 बोल देते हैं, 80 से लेके 90% तक तुम एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। अच्छा क्या मैंने बोला? क्वेश्चन बेस्ड, मैंने जो प्रॉब्लम बेस्ड होता है, प्रॉब्लम अगर तुम कर लेते हो, थ्योरी को अगर तुम
करते हो, स्किप करते हो प्रॉब्लम को करने से। मिनिमम भी कभी कभी 100% भी हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन रहता है ना, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन रहता है। कुछ क्वेश्चंस मानो कि तुमको क्वेश्चन दिया गया है 9 और तुमको करना है 5, जिसमें क्वेश्चन तुमको 7 मिला और दो मानो के थ्योरी बेस मिला, और 7 क्वेश्चन में ऐसा हुआ है कि एक क्वेश्चन में थ्योरी और क्वेश्चन मिक्सड है, तो तुमको 6 क्वेश्चन मिला। तो 6-7 ऐसा क्वेश्चन करके यहाँ पे तुम 5 क्वेश्चन बेस्ड, मतलब जो प्रॉब्लम जहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ता है, थ्योरी वगैरह नहीं करना पड़ता, थ्योरी वगैरह ना करके। अब बात क्या है, देखो ये जो एलपीपी वाला पेपर है, अगर इसको तुम थ्योरिटिकल बेस में पढ़ाने जाओगे तो ये पेपर एक बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर हो जाता है। थ्योरिटिकल बेस में ये पेपर बहुत ही स्टैंडर्ड हो जाएगा, मतलब थ्योरी के बेस में, मतलब हम लोग 10%, 15 से लेके 20%, या फिर हाँ 10% से लेके 20% को अगर हम लोग अच्छे से कवर करना चाहे तो ये पेपर हो जाएगा एकदम बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर। मतलब स्टैंडर्ड पेपर मतलब यहाँ पे तुमको बहुत सारा लॉजिक यूज करना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी इसका एडवांस है, इसका जो थ्योरी पार्ट है ना ये एडवांस है, तो इसका थ्योरी पार्ट एडवांस है, तो सर किस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। मैं ज्यादातर जो करता हूँ प्रॉब्लम सेंट्रिक काम करता हूँ, स्टार्टिंग से 80 से लेकर 90% जो काम हो जाएगा थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चंस होता है, वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, जो जो थ्योरी इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट थ्योरी मैं उसको एंड में कराऊंगा। टॉपिक जैसे जैसे चलेगा वो तो चलेगा, कुछ एक दो थ्योरी उसके साथ ही चलेगा और उसके बाद मैं उसको एंड में कराऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर अगर थ्योरी बैकग्राउंड से अगर जाए ना, तो ये चैप्टर का, ये जो पेपर्स है, ये पेपर का इंटरेस्ट ग्रो नहीं हो पाएगा, ये पेपर का इंटरेस्ट ग्रो नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसा किया जा सकता है कि हम लोग, हाँ थ्योरी तो बोलेंगे, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि प्रॉब्लम को ज्यादा क्या दिया, ज्यादा वेटेज दिया, थ्योरी भी हम लोग करेंगे, सिर्फ वो सब थ्योरी करेंगे जो सब प्रीवियस ईयर में आ चुका है, जो सब सिर्फ प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है, या फिर जो सब प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो सब थ्योरी का प्रूफ वगैरह करेंगे, समझाएंगे ठीक, बट प्रूफ वगैरह सिर्फ वो सब थ्योरम का करेंगे जो सब प्रीवियस ईयर में ईयर्स में आया है। और ये लिनियर प्रोग्रामिंग गेम थ्योरी, ये प्रीवियस ईयर में मतलब बहुत जब से मैथमेटिक्स होना चला तब से ये पुराना पेपर है, सिर्फ तुम्हारा सीबीसीएस बोलो, 1+1 सिस्टम बोलो, सब में ये पेपर था, तो इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का कोई भी सॉल्यूशन का दिक्कत नहीं है, 30 साल 40 साल पुराना भी क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा, तो इसका पीवाईक्यू तुमको अच्छे से मिल जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि पाइथन जैसे नया पेपर दिया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, इसका क्वेश्चन बड़ा पड़ा है, रियल का क्वेश्चन एकदम पूरा 30 40 साल का क्वेश्चन बड़ा पड़ा है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्रॉब्लम सेंट्रिक हम लोग ज्यादा वेटेज देंगे, थ्योरी सेंट्रिक ज्यादा वेटेज देंगे, तो इसके पढ़ने का ये बात होता है कि मिक्सिंग वे में हम लोग पढ़ सकते हैं। एकदम कोई बोला सर थ्योरी नहीं पढ़ना है, तब भी कोई उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 80 से लेकर 90% वो स्कोर कर ही पाता है। अगर थोड़ा थ्योरी कर लोगे तो तुम्हारा 100% हो जाएगा, और अगर इस पेपर को पूरा थ्योरी के साथ, एक एक वर्ड को थ्योरी के साथ अगर समझा जाए ना, तो ये पेपर एक बहुत ही एडवांस पेपर बन जाता है, एडवांस पेपर बन जाता है, जिसमें क्लासेस का ड्यूरेशन जो 40-45 क्लास बोले ना, वो क्लासेस 70 में चला जाएगा, 70 में चला जाएगा। तब उससे दिक्कत क्या होगा कि तुमको लगेगा सर ये भी तो सर एकदम पूरा भयानक पेपर लग रहा है, इसमें सर इतना टाइम देना पड़ेगा, सर नहीं सर ये तो दिक्कत हो रहा है। तो मैं अब तुम लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोगों का जो क्लास का पैटर्न होगा वो क्या होना चाहिए, मतलब पूरा एक एक चीज को, एक एक थ्योरी को डीपली बोले, या फिर जो एग्जाम सेंट्रिक होगा उसके लिए काम करें। सर एग्जाम सेंट्रिक सर एग्जाम सेंट्रिक सर, एग्जाम सेंट्रिक काम करना है इस पेपर का, क्योंकि ये सभी का, मेरा जितना मानना, मुझे भी मेरा भी मानना, एग्जाम सेंट्रिक के काम करना चाहिए इस पेपर में, अच्छा क्योंकि ये पेपर में ऐसा ही है। बट जो बाकी पेपर है रियल ग्रुप, उसका टेक्निक ही ऐसा है कि एग्जाम सेंट्रिक अगर काम करना है तो डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो एक बात मैं बोल रहा हूँ, इस पेपर के साथ बाकी पेपर का कोई भी कनेक्शन मत क्रिएट करो, कोई कनेक्शन नहीं है ये पेपर के साथ, बाकी पेपर का कोई कनेक्शन नहीं है। रियल और ग्रुप जो पेपर है सर, उसमें सर कैसे पढ़ा जा सकता है, उसमें कॉन्सेप्चुअल बेस, थ्योरिटिकल बेस एंड ईच एंड एवरी चीज का जो तोड़ मोड़ करके तुमको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके वो पेपर अच्छा हो पाएगा। कोई अगर बोले कि मैं रियल एनालिसिस एग्जाम सेंट्रिक पढ़ा दूंगा, वो पूरा फंसा देगा तुमको, क्योंकि रियल में तुम धीरे धीरे मालूम चलेगा कि जिसका जितना कॉन्सेप्ट है ना, वो उतना अच्छे से क्वेश्चन को डील कर पाएगा, खुद ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा वहां पे। ये कोई ऐसा नहीं है कि 2-3 पेज का सॉल्यूशन अगर तुम एक बार नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे, वहां पे लॉजिक चलता है,
लॉजिक बिल्डअप हो गया, डेफिनेशन अच्छा हो गया, तुमको थ्योरी वगैरह कैसे सोचना पड़ता है अगर वो समझा दिया, वो तो मैं ईच एंड एवरी लाइन तुमको समझाऊंगा। तुमको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ मेरा बात सुनना है और उसको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है? तो वहां पे वो बात है, इस पेपर के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये पेपर क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है। और वो सब पेपर जितना तुम डीपली जाओगे, जितना डिटेल्स में काम करोगे, जितना एक एक चीज को तोड़ के पढ़ोगे, वो पेपर तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। और नेक्स्ट सेमेस्टर में जो जो पेपर है उसमें तुमको एकदम बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो वहां पे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे तो नंबर भी अच्छा मिलता है, और बाद में क्या होगा, बाकी सेमेस्टर में वो यूज भी होगा। और जितना सारा एग्जाम तुम देने जाओगे वहां पे ग्रुप थ्योरी रियल ये सब बहुत, वहां से बहुत क्वेश्चन आता है। रियल अच्छा हो गया तो बहुत जन तो रियल का क्वेश्चन करके ही जैम क्लियर कर देता है, रियल का क्वेश्चन करके जैम क्लियर किया जा सकता है। तो ऐसा बात है, मतलब इतना इंपॉर्टेंस है रियल और ग्रुप का पार्ट करके ही, रियल और ग्रुप का पार्ट करके तुम जैम क्लियर कर सकते हो IIT जैम वाला एग्जाम। LPP गेम थ्योरी IIT में जैम में नहीं आता है, हालांकि दूसरा कुछ एग्जाम में है बट जैम में ये पेपर नहीं आता है। तो ये बात है, तो हम लोग एग्जाम सेंटिक ही इसको पढ़ेंगे, क्योंकि इस पेपर को थ्योरी सेंटिक पढ़ेंगे। तो जो पेपर हम लोग मतलब थ्योरिटिकल सेंटिक पढ़ना पड़ेगा, इन डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा ग्रुप और रियल एनालिसिस, तब वहां पे हम लोग टाइम नहीं दे पाएंगे जो वहां पे जरूरी है। तो जिस जगह पे हम लोग को डिटेल्स में काम करना है, पूरा बैकएंड मतलब ईच एंड एवरी लाइन को हम लोग को वहां पे डिटेल्स में करना है, तो वो जगह तो हम लोग करेंगे। तो ये बात है, ये वाला बात सभी सहमत हो मेरे से, या फिर क्या बोलना चाह रहे हो तुम लोग? जो ये बात बोले ठीक है ना, क्या बोलते हो तुम लोग? हाँ बाकी सर सब ठीक ठीक है? तो ठीक है, ठीक है सर, तब। हाँ बोलो बोलो, सर जैमे মানে রিয়েল আর মানে গ্রুপ থিওরিটাই পড়ে নিলে পুরো হয়ে যাবে, আর কিছু করতে লাগবে না। পুরো না। ওখানে তোমার কাট অফ যে নাম্বারটা থাকে না, ওখানে যে কাট অফ নাম্বারটা থাকে, তা কাট অফ নাম্বারটা এতটাই কম উঠে যে রিয়াল কেউ যদি ভালোভাবে করে আসে, গ্রুপ যদি ভালোভাবে করে আসে, তো অলমোস্ট হয়ে যায়, অলমোস্ট হয়ে যায়, ঠিক আছে, অলমোস্ট হয়ে যায়। আর রিয়াল সেন্ট্রিক তো তোমার ইয়ে আছে, মাল্টিভেরিয়েট ক্যালকুলাস আছে, আমরা যখন করাবো 4th সেমিস্টারে মাল্টিভেরিয়েট ক্যালকুলাস। মাল্টিভেরিয়েট ক্যালকুলাস মিনস যো ওই যো 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 সিঙ্গেল ভেরিয়েবল মানে না, ও তোমারা এক সে জ্যাদা ভেরিয়েবল হো জাতা হ্যায়, লিমিট কোয়ান্টিটি ডিফারেন্সিবিলিটি, জ্যাসে সিঙ্গেল ভেরিয়েবল চলতা হ্যায় তো ওয়াহাঁ পে ভি চলতা হ্যায়। রিয়াল अगर कोई स्टूडेंट अच्छा कर लेता है, उसके साथ साथ अगर लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा जैसे तुम लोग किए थे ना, थोड़ा बहुत हाँ किए सर थे, बट वो हम लोग उतना डिटेल्स में काम नहीं किया। लीनियर अलजेब्रा का जो हम लोग काम करेंगे वेक्टर स्पेस, वो हम लोग शायद 4th सेम में है, शायद हाँ 4th सेम में, 4th सेम में हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे, जो वेक्टर स्पेस वगैरह का जो काम वगैरह है, इन डिटेल्स में हम लोग वहां पे काम करेंगे। तब जाके वो सब माने रियल लीनियर और एक ग्रुप थ्री वाला, ये वाला जगह किसी का स्ट्रॉन्ग अगर हो जाता है तो उसका जैम क्लियर ही हो जाता है। तो मेन बात है रियल का, 60 से लेकर 70% काम रियल कर देता है, और वो सभी एग्जाम में, मैथमेटिक्स का जितना सारा एग्जाम है वो सभी एग्जाम में। मैं तुम लोगों को सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूँ, ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग वाला पेपर है ना, इसमें 75 में 75 कैसे लाना है वो मैं काम कर दूंगा, 75 में 75 कैसे लाना है वो मैं काम कर दूंगा, वो तुम देख लोगे, ये वो तुम मालूम चल जाएगा, उतना काम कर दूंगा। बट कोई अगर मुझे बोले सर ये जो चैप्टर है ये बुक में सर इतना सारा थ्योरी कहाँ से आ गया, सर ये थ्योरी आप क्यों नहीं बोल रहे हो, ये थ्योरी अगर बोलने जाएंगे ना तो ऐसा हो सकता है तुमको 75 में 75 ना मिलके तुमको 50 भी मिल सकता है, क्योंकि जब वो बोलने लगूंगा ना तुमको लगेगा कि सर ये सब क्या चल रहा है, नहीं तो एक बुक का PDF वगैरह भेज देंगे, एक बुक का PDF वगैरह भेज देंगे, तुमको मालूम चलेगा। देखो सब चीज़ का एक एक, एक प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे हम लोग इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है, इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। अच्छा थ्योरी वगैरह अगर पढ़ना है तो कोई बात नहीं है, मुझे बोलना, मैं एक्स्ट्रा क्लास देकर उसको अलग से पढ़ा दूंगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक्स्ट्रा क्लास देके मैं बोल दूंगा चलो इसका थ्योरी वगैरह अलग से पढ़ाते हैं, सर टाइम है हम लोग के पास, अगर 5 6 बच्चा भी अगर हो जाता है, जैसे 5 6 बच्चा ना मुझे सर बोल रहा है सर। टाइम हो गए ना। मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर 5 6 बच्चा अभी नहीं, 1 1.5 महीना 2 महीना बाद, अच्छा 2 महीना बाद, 1 1.5 2 महीना बाद मैं तुम लोग को ऑप्शन दिया, अगर 5 बच्चा भी अगर मुझे बोल दे सर ये जो बुक का चैप्टर है ना, जितना सारा थ्योरी है सब मुझे करा दीजिए, एक बच्चा बोलेगा तो पॉसिबल नहीं है, मिनिमम 5 6 बच्चा बोलना चाहिए। तो मैं उसको अलग एक्स्ट्रा क्लास देके मेन बैच में तो नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेन बैच में करा के मैं तुम्हारे सर में बॉम्ब नहीं फैलना चाह रहा हूँ, तो उसके बाद तुमको लगा सर मैं तो उठ ही नहीं पा रहा हूँ अब, तो दैट मीन्स मुझे एग्जाम सेंटेक काम करना है। यहाँ पे सिर्फ LPP का बात है, बाकी में मैं नहीं बोला हूँ, बाकी में तो फुल डिटेल्स में एकदम ही होगा, थ्योरी व्योरी सब हम लोग मतलब एक एक चीज को हम लोग वहाँ पे ब्रेक करेंगे। चलो तो ये बात यहाँ पे पहले क्लियर कर दिया, इसीलिए एक पेपर को पढ़ाने का मेरा वो एक टेक्निक अलग होगा, जब मैं ये बात बोल दिया ना तो ये पेपर को पढ़ाने का टेक्निक अलग होगा। LPP गेम थ्योरी ये पेपर डिफरेंट डिफरेंट टीचर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में पढ़ाता है,
क्योंकि यहाँ पे वही बात है कि थ्योरी सेंट्रिक पढ़ाओ गए या फिर प्रॉब्लम सेंट्रिक। और यहाँ पे एक बात क्या है कि ज्यादा चैप्टर एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है, ज्यादा चैप्टर एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है, छोटा मोटा चीज लिंक हो सकता है जिसको हम लोग जुगाड़ कर सकते हैं। और जब वो चीज अभी बोलेंगे तो बाद में उसको बोल देंगे कि उस चैप्टर में उसका क्लियरिटी हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, अभी मैं उतना क्लियरिफिकेशन तुम लोगों को नहीं दे पा रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से काम करना है, यही मेन मुद्दा है इस पेपर का। जैसे काम करना है इसे, मैंने इस पेपर का ऐसा नहीं हो सकता है कि सिलेबस में सर स्टार्टिंग वाला जो चैप्टर का नाम है ना ये है, उसके बाद ये है, वो रियल में ग्रुप में सिक्वेंस आएगा, स्टार्टिंग में जो नाम है वही आएगा, उसके बाद वाला वही आएगा जो सिलेबस में जैसे जैसे नाम है। बट एलपीपी में ऐसा हो सकता है कि हम लोग 1 2 3 करके जो चैप्टर नाम है, हम लोग यहाँ से एक चैप्टर उठाएंगे, क्योंकि जो चैप्टर हम लोग के लिए वो स्टैंडर्ड चैप्टर है, माने वो एज ए एग्जाम सेंट्रिक है। और उसका क्वेश्चन तुम बोले सर ये चैप्टर उठा लीजिएगा तो ये पुराना चीज का नॉलेज, देखो बात क्या है कि इसके साथ उसका उतना लिंक नहीं है। और छोटा एक दो जो टर्म आएगा ना, वो टर्म तो हम लोग बोल ही देंगे, छोटा एक दो टर्म जो आएगा वो हम लोग बोल देंगे, ठीक है, जब चालू करेंगे तब मालूम चलेगा। हाँ जब चालू करेंगे तब मालूम चलेगा। अरे मैंने तो बोल भी दिया, थ्योरी भी मैं कराऊंगा, थ्योरी में कराऊंगा नहीं, थ्योरी में कराऊंगा, एग्जाम में जो जो थ्योरम आता है उसका प्रूफ कराऊंगा। बट उसका प्रूफ हम लोग जितना सारा टॉपिक्स है एग्जाम मतलब ये करके उसको कवर करने के बाद, पूरा जो क्वेश्चन बेस्ड एलपीपी है पूरा सब कुछ कवर करने के बाद हम लोग एंडिंग में वो थ्योरी सबको कराएंगे, वो सिर्फ स्पेशली एग्जाम सेंट्रिक जो इम्पोर्टेंट थ्योरी का वो। और एक्स्ट्रा अगर कुछ अलग से थ्योरी करना है तो मुझे 5 दिन कम से कम बोल सकते हो, तो मैं वो अलग से थ्योरी करा दूंगा सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेस के लिए, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं। चलो पेपर तो मैंने ये बोला लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी, इसको इंट्रोडक्शन करने से पहले पहले इसका इंट्रोडक्शन वगैरह पहले जानना पड़ेगा क्या है सर ये पेपर, ये पेपर के बारे में पहले मेन बात क्या है इसको जान लेते हैं, ये पेपर है क्या। ये पेपर का जो मेन टारगेट है ना, ये पेपर का मेन टारगेट है ये दो चीज पे, ये दो जो वर्ड है ना इस पे टारगेट है पेपर, प्रॉफिट। अच्छा एंड लॉस, यही काम होगा पूरा पेपर में, यही काम होगा प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है। प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं बोलो तो, प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट को क्या करते हैं काला बढ़ाते, हाँ इंक्रीज करते हैं ना। अरे प्रॉफिट इंक्रीज करते हैं तो प्रॉफिट क्या करते हैं सर, ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। लॉस क्या करना है, मिनिमाइज ना, तो प्रॉफिट इज ए मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं ऑलवेज मैक्सिमाइज करते हैं, लॉस को ऑलवेज क्या करते हैं मिनिमाइज करते हैं, लॉस को ऑलवेज मिनिमाइज करते हैं। तो कोई भी चीज है, कोई भी बिजनेस है, तुमको अगर प्रॉफिट का बात है तो वहां पे मैक्सिमाइज करोगे, और लॉस का बात है तो मिनिमाइज करोगे। या फिर कॉस्ट का बात है, कोई 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 सामान तुम बना रहे हो, तुम्हारा कोई छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग कारखाना वगैरह है, तो वहां पे तुम जो भी चीज बनाओगे उसका मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट होगा, तुम चाहोगे वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर कम होगा तो इससे क्या होगा कि तुम उसको एक रिजनेबल प्राइस में उसको सेल कर पाओगे, तभी तो जाके मार्केट में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी अगर ज्यादा हो गया तो प्राइस बढ़ जाता है, और बहुत डिपेंड करता है। तुम देखना बहुत सारा चीज का जब प्राइस बढ़ जाता है ना तो बोलता है कि कंपनी क्या बोलता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है इसलिए हम लोग को भी प्राइस बढ़ाना पड़ रहा है। तो कॉस्टिंग हम लोग मिनिमाइज करते हैं, लॉस हम लोग मिनिमाइज करते हैं, तो ये सब काम होगा। तो इसके ऊपर बेस करके हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिक्स टेक्निक सीखेंगे, मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे इसके ऊपर, एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस के ऊपर। जैसे मानो कि तुम्हारा अगर छोटा मोटा दुकान है, कि जिसका भी दुकान है, तो हम लोग क्या करते हैं जो भी सामान बेचते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा हो ऐसे सोचते हैं, जो सेलर है वो सोचता है कि ज्यादा दाम में बेच पाए, और जो तुम्हारा क्या बोलते हैं कि बायर है वो क्या चाहता है कि कम से कम दाम में वो मुझे मिले, ताकि मेरा जो ये है कॉस्टिंग है मतलब जो खर्चा है वो थोड़ा कम हो। तो प्रॉफिट हम लोग मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, लॉस हम लोग मिनिमाइज करना चाहते हैं, ये हर एक टाइम होता है, ईच एंड एवरी टाइम, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस का ये बात है मैक्सिमाइज मिनिमाइज, बट ये जो हम लोग करना चाहते हैं ये चीज हम लोग तो नॉर्मली करते हैं, कि कोई जगह पे जा रहे हैं कोई सामान खरीद रहे हैं, प्रॉफिट को हम लोग ये करना चाह रहे हैं, कॉस्ट मिनिमम करना चाह रहे हैं।
खर्चा कम करना चाह रहे, ये सब का एक ये है कि इतना पैसा दिया है मुझे घर से, मुझे इतने में खर्चा करना है, तो आप इसको ऐसे यूज किया जाए ताकि मेरा सब काम चल जाए। बाहर से जो लोग आता है तो उसको महीने में एक पैसा मिलता है, रेंट देना पड़ता है, सब कुछ जगह पे खर्चा जाता है, उसका कैलकुलेशन चलता है ना बैकएंड में, दिमाग में सब कैलकुलेशन, हर एक टाइम ये कैलकुलेशन चलता है, ईच एंड एवरी, घर में बोलो सब में बोलो, एक प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन चलता ही है, मैनेज कैसे करना पड़ेगा। बट इसके लिए अभी तक हम लोगों ने कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं सीखा था, इसके लिए हम लोग कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं सीखा था, ये सब्जेक्ट हम लोग को अभी देखना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट का मेन मोटो यही है। तो इसका मतलब सर ऐसा है क्या कि हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग गेम थ्योरी अगर सीख लेंगे और वो सब्जेक्ट को सीख के अगर हम लोग मार्केट में जाएंगे, चांदनी मार्केट बोलो या फिर दूसरे कोई मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ई मॉल में जाएंगे, तो सर ऐसा हो सकता है कि लैपटॉप खरीदने में 2,000 का डिस्काउंट मुझे मिल जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो वैसा चीज हम लोग यहाँ पे नहीं सीखेंगे, हम लोग क्या सीखेंगे, तुम्हारे पास मानो कि एक छोटा मोटा कंपनी है, तुम कुछ सामान बनाते हो, जो सामान तुम क्या करते हो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे भेजते हो, होता है बहुत सारा चीज बनता है जहां पे हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट ऑरिजिन पे भेजना पड़ता है। चलो एक कंपनी ले लेते हैं, एक हेवी कॉमोडिटी कंपनी लेते हैं, हेवी कॉमोडिटी मतलब जो थोड़ा सा भारी भारी सामान बनाता है जिसमें कॉस्ट ज्यादा लगता है, सीमेंट, सीमेंट, सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट एक हेवी कॉमोडिटी है ना, सीमेंट, सीमेंट एक हेवी कॉमोडिटी है, घर में तो सीमेंट वगैरह घर बनाओ, जो घर बनाने जाओगे तो सीमेंट तो तुमको लगेगा ही लगेगा, विदाउट सीमेंट से कैसे बनेगा, हर एक जगह पे सीमेंट लगता है, जो बिल्डिंग में रहते हो तुम उसके लिए सीमेंट लगा है, जो स्कूल में पढ़ते हो, जो कॉलेज में पढ़ते हो उसके लिए सीमेंट लगा है, जहां पे अभी क्लास कर रहे हो उस घर में भी सीमेंट है, चारों तरफ जो रास्ता में जाओगे वहां पे भी सीमेंट यूज हुआ है। तो सीमेंट जो यूज हुआ है, जस्ट मैं कुछ एग्जाम्पल वगैरह दे रहा हूँ, हाँ जस्ट कुछ एग्जाम्पल वगैरह दे रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये सब्जेक्ट अलग टाइप का सब्जेक्ट है, इसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है तो उस हिसाब से पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट के साथ इसको कंपेरिजन नहीं करना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से सोचो, क्योंकि इसको तुम जब लॉजिकली सोचने जाओगे ना तो ये कैलकुलेशन तुम ही खुद कर पाओगे, हाँ तुम ही खुद कर पाओगे, और मेरा मानना है कि सब अच्छा करता है, क्योंकि जब ये बात आ जाता है ना सर, दिमाग अच्छा काम करता है, दीजिए ना सर 200 रुपया में, आप मुझे 200 दीजिए सर, वो वाला सामान वो 300 में लाया ना सर, मुझे 200 दीजिए ना, मैं 200 में ला दे रहा हूँ, मुझे मालूम है दुकान कहाँ है, अब दीजिए तो पहले मैं ला रहा हूँ, तो अब 100 रुपया कम में उसका वो ला दूंगा, तो ये बात है, मतलब वो तो मतलब दिमाग काम करता है, प्रॉफिट लॉस का बात जब आता है तो दिमाग थोड़ा ज्यादा काम कर जाता है, इसीलिए सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपोज मैंने क्या एक सेलेक्ट किया, एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया जो सीमेंट है, सीमेंट जो लोग मैन्युफैक्चर करता है, तुम लोग भी थोड़ा सा कमेंट करना, सीमेंट कौन कौन मैन्युफैक्चर करता है, सीमेंट का कोई कंपनी बोलो तो, सीमेंट बनाता है सर अल्ट्राटेक अच्छा सर आदित्य बिरला एंटरप्राइज सर। हाँ, अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, हाँ सर उठा अंबुजा सर अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी अच्छा अच्छा सर एसीसी एसीसी सीमेंट, और कोई कंपनी जानते हो सीमेंट का, कंपनी सीमेंट का कंपनी बोलो कोई, तुम लोगों से बात करते हैं, अच्छा ये सब्जेक्ट बात करने का है, ये सब्जेक्ट अभी के लिए सिर्फ क्या है, पहले बात होगा इसमें, और कुछ सीमेंट है, एसीसी सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट जो है ना, एक होता है अंबुजा सीमेंट और एक क्या है, एक है तुम्हारा अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, सीमेंट अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट है तुम्हारा अदानी ग्रुप, अल्ट्राटेक सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट जानते हो किसका है, सर आदित्य बिरला एंटरप्राइज हाँ आदित्य बिरला ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, सर आदित्य, इंडिया तेर मार्केट गैप सर 80% और 20% सर फॉरेन एक्सपोर्ट कर सर सर तुम्हें की खबर रखो ना कि मार्केटर, एक्टू एक्टू सर बेस वाह ना वाह खूब 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 भालो, एकदम वाह खूब भालो जिनिस, ठीक है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंडस्ट्री है सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है बहुत अच्छा बात बोला है, बिरला ग्रुप सेफ्टी को थोड़ा सा, क्योंकि ये सब्जेक्ट में ही तो वही बात है सर, सब बिजनेस वगैरह है सर, पूरा एकदम दिमाग को एकदम अच्छा से करके इम्प्रूव करना है सीमेंट बिजनेस में, अगर तुमको भी बाद में जाना है, हालांकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है, इसमें जाना उतना ये नहीं है, ये सब जो जाइंट जाइंट कंपनी है जो बिलियनियर है वो लोग ही जा पाता है, अंबुजा सीमेंट एंड अल्ट्राटेक सीमेंट,
ये জিও है, ये এয়ারটেল है, इसके पीछे कारण है, मैं बोल रहा हूँ। जियो एयरटेल मिलके क्या किया, जियो एयरटेल वोडाफोन मिलके, वोडाफोन को छोड़ो वोडाफोन भी खत्म हो जाएगा शायद मुझे जिंदा लगे, हालांकि अभी क्लियरिटी नहीं है, 5G तो उसका आया भी नहीं है। तो जियो एयरटेल मिल को देखो, जियो ने क्या काम किया, जियो ने आके पहले फ्री में नेट दिया, फ्री में नेट दे के 3-4 महीना में फ्री में नेट दिया, जितना सिम लेना है ले लो, एक सिम दो सिम, सिम में लाइन लगा दो, मतलब सुबह में लाइन लगाओ, नहीं मिला तो दूसरा दिन लाइन लगाओ, किसी दूसरे को फोन करके। 2016 या 17 में दिया था ना, 2016 या 17 में जियो सिम का लाइन लगा था शायद, 2016 में जो नोटबंदी हुआ था उस टाइम में हुआ था ये। तो जियो आ गया, बाकी सब जो कंपनी है, जो मोबाइल नेटवर्किंग कंपनी है, वो देखो गायब हो चुका है। कौन कौन कंपनी का नाम पहले सुने हो, अभी नहीं है, बोल पाओगे कोई कंपनी का नाम? डोकोमो, एयरसेल, एयरसेल, डोकोमो, और कुछ नाम? आइडिया सर, आइडिया, आइडिया है, यूनिनॉर। वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया है, यूनिनॉर ओ था हाँ, ना तो एक, वोडाफोन क्लियर नहीं है सर। हाँ एक यूनिनॉर था, बोलो बोलो और बोलो कोई। अरे कोई सिम वगैरह नहीं यूज करते थे क्या? बोले सर हम लोग तो सर पढ़ाई वगैरह करते हैं, सिम वगैरह नहीं यूज करते, और बोल पाओगे कोई? टाटा इंडिकॉम था ना एक, तो रिलायंस था, रिलायंस कम्युनिकेशन बोल के एक कंपनी था, ठीक है, और भी बहुत सारा कंपनी था, बीएसएनएल था, हालांकि बीएसएनएल अभी है, बीएसएनएल अभी उठ रहा है, एक हर्ष था सर वो ওই तो স্যার अभी, রিলায়েন্সের যেটা স্যার মানে ডুবে গেল স্যার, যে কোম্পানিটা হ্যাঁ বলছে যেটা ওই মুকেশ ছোট আম্বানি ভাইয়ের কা, কোম্পানি, হ্যাঁ হ্যাঁ ওর মুকেশ ছোট আম্বানি কা, ভাইয়ের, হ্যাঁ ছোট ভাই না ওটা বড় ভাই, ওর অনিল ওটা আম্বানি, বড় হ্যাঁ অনিল আম্বানি বড় ভাই উসকা, অনিল আম্বানি উসকা থা রিলায়েন্স কমিউনিকেশন। তো রিলায়েন্স কমিউনিকেশন আর জিও আলগ হ্যায়, রিলায়েন্স কমিউনিকেশন আর রিলায়েন্স গ্রুপ আলগ হ্যায়, রিলায়েন্স কমিউনিকেশন যে তোমারা হ্যায় অনিল আম্বানি কা, ও তো বন্ধ হো চুকা হ্যায়, ও ব্যাংক্রাপ্ট হো চুকা হ্যায়, এ সব কোম্পানি খতম, অভি ইসকা কোই জগা নেই হ্যায়, এ খতম জিও নে কিয়া, আকে ফ্রি মে নেট দে দিয়া, অভি এ লোক কিতনা সার্ভাইভ করেগা, ফ্রি মে কিতনা দিন চলেগা এ লোক, ক্যোঁকি এ লোক অভি তো এক এমপ্লয়ি হ্যায়, এ লোক অভি খরচা যাতা হ্যায়, তো ইসকে কারণ এ খরচা এফোর্ট নেই কর পায়া, সব তো খরচা প্রফিট লস কা বাত হ্যায়, প্রফিট হোগা বিজনেস চলেগা, লস হোগা কিতনা দিন তুম স্যালারি দোগে, পকেট মে ভি পয়সা ভি রহেগা, তো এক এক টাইম কে বাদ ও খতম হো জায়েগা, হর এক চিজ মে বিজনেস মে এ হোতা হ্যায়, কি তুমকো ভি দেখনা পড়েগা কি কিতনা মে কস্ট কর পাউ, এক এক প্রোডাক্ট কা প্রাইস কিতনা রাখু তাকি মুঝে প্রফিট হো, এসা না হো কি বিজনেস করনে কে চক্কর মে, মার্কেটিং করনে কে চক্কর মে তুম জো কস্টিং আ রহে উসসে কম দাম মে বেচ দে রহে হো প্রোডাক্ট, মার্কেট মে ক্যাশ বার্ন কর রহে হো, ইসসে তোমারা বেনিফিট হোগা, এসা কোই বাত নেই হ্যায়, এসা না হো কি মার্কেটিং কে চক্কর মে, কোম্পানি তো মার্কেটিং কর লিয়া, ইউনিনর তো মার্কেটিং কর লিয়া থা, আয়া থা ফ্রি মে সিফ নেট বাট রা থা, ফ্রি মে সিফ সরি ফ্রি মে কলিং বাট রা থা উস টাইম, এ লোক ফ্রি মে এক রিচার্জ কর লো আপ ফ্রি মে বাত করতে যাও, এ এ থা, উসকে বাদ এ কোম্পানি পুরা ব্যাংক্রাপ্ট হো গিয়া, তো জিও আকে সব বন্ধ কর দিয়া। আচ্ছা আপ দেখো জিও এয়ারটেল, এ লোক এক দূসরে কো পেলে এ কর রা থা, আব এ দোনো মিল কে না রেট বড়া রা হ্যায়, 20 সে লেকে 25%, কব সে বড় রা হ্যায়, 2-3 সাল সে বড় রা হ্যায়, 5 সাল বাদ অর বড়েগা, মতলব এ বাড়াতে যায়, ক্যুকি এ দোনো কা মনোপলি ক্রিয়েট হো চুকা হ্যায়, আব এ মার্কেট মে অর কোই নেই হ্যায়, এই চিজ সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি মে আয়েগা মুঝে জিতনা লগ রা হ্যায়, অম্বুজা সিমেন্ট নয়া নয়া হ্যায়, আদানি গ্রুপ তো ওই করতা হ্যায়, জো ভি যাতা হ্যায় জহাঁ পে ভি যাতা হ্যায় কোই বিজনেস পেলে কিয়া নেই হ্যায়, নয়া বিজনেস পয়সা ডালতা হ্যায় ও লে লেতা হ্যায়, এসিসি সিমেন্ট কো খরিদ লিয়া, এসিসি সিমেন্ট পুরানা কোম্পানি 20-30 সাল সে মার্কেট উসকা হ্যায়, পয়সা দেখে উসকো খরিদ লিয়া, তো নয়া বিজনেস বানানা নেই পড় রা হ্যায়, আল্ট্রাটেক সিমেন্ট 60 সাল সে 60 সাল সে বিজনেস করতা হ্যায়, উসকো ও 60 সাল সে উসকা জো জেনারেশন হ্যায় ও এক এক বিজনেস কো ডেভেলপ কিয়া হ্যায়, 60 সাল কে বাদ ও লোক উস কাম কো কিয়া হ্যায়, আদানি নে আয়া পয়সা দিয়া ডিল হুয়া সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি কো খরিদ লিয়া, এসিসি কো খরিদ লিয়া, অম্বুজা সিমেন্ট কো খরিদ লিয়া, আব অর ভি সিমেন্ট কো খরিদ রা হ্যায়, মানে অ্যাকুইজিশন বগেরা কর রা হ্যায়, আব আদানি গ্রুপ জিও বন গিয়া আর আল্ট্রাটেক সিমেন্ট এয়ারটেল বন গিয়া, আব দোনো মে লড়াই হো রা হ্যায় কন কিতনা মার্কেট পকড় পায়েগা, বাট ইসমে দিক্কত ক্যা হোগা জানতে হো, লোকাল জো অপারেটর হ্যায়, লোকাল জো সিমেন্ট কোম্পানি হ্যায় ও গায়েব হো যা রা হ্যায়, এসে ক্যা হোগা, অম্বুজা সিমেন্ট আল্ট্রাটেক সিমেন্ট অভি তো অম্বুজা সিমেন্ট সস্তে মে সিমেন্ট বেচ রা হ্যায়, আল্ট্রাটেক সিমেন্ট সে মার্কেটিং মে এই করনে মে, এক টাইম এসা আয়েগা এ দোনো মিলকে না পুরা সিমেন্ট কা দাম ডিসাইড করেগা, মতলব মানো কে দোনো মিলকে বলো চলো সিমেন্ট কা দাম বাড়া দেতে হ্যায় 20%, আব বলো তো সিমেন্ট কা দাম বাড়েগা তো ফ্ল্যাট বগেরা জব ম্যানুফ্যাকচারার হোগা তো উসমে কস্টিং বগেরা জ্যাদা আয়েগা, কস্টিং বগেরা জ্যাদা আয়েগা, ঘর ঘর বানানে মে রেট বাড়েগা, জো ফ্ল্যাট পেলে 40 লাখ মে মিল রা থা ওই ফ্ল্যাট
सीमेंट तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, उसमें ज़्यादा रेट लगेगा। तो ये बात है, ये एक तो बात मैंने बोल दिया। सीमेंट इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। सीमेंट इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे इस एलपीपीएन गेम थ्योरी में, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सीमेंट इंडस्ट्री जो है उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा है, तुम भी जानते हो। एक 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 बस्ता सीमेंट, क्या एक बस्ता सीमेंट कितना जन उठा पाओगे? बहुत कम ही जन उठा पाएगा। अगर बहुत हेल्दी हो या फिर जिम वगैरह करते हो तो डंबल वगैरह उठाते हो, तो एक बस्ता सीमेंट तुम उठा पाओगे, आप ज्यादा दूर भी नहीं ले पाओगे। तो एक जगह से दूसरे जगह पे अगर मुझे सीमेंट भेजना है, लॉरी लॉरी ट्रक ट्रक सीमेंट एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना है, तो उसमें कॉस्ट कितना जाएगा, समझ पा रहे हो? तो सीमेंट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं बाकी प्रोडक्ट इसलिए नहीं लिया, मैं मोबाइल का एग्जाम लेना चाह रहा था, बट मोबाइल में कॉस्ट, मोबाइल में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उतना नहीं लगता है। एक छोटा गाड़ी में ही बहुत सारा नंबर ऑफ मोबाइल मतलब भेजा जा सकता है। हालांकि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बात है कि क्या क्या प्रोसेसर वगैरह यूज हो रहा है, क्या क्या हार्डवेयर वगैरह यूज हो रहा है, तो उस हिसाब से मोबाइल का दाम वगैरह ठीक होता है। तो उसमें वो बात है, कॉस्टिंग वगैरह मिनिमाइज करना पड़ता है। इसी उसी से तुम क्या कर सकते हो, मार्केट में सस्ते दाम में प्रोडक्ट लॉन्च कर पाओगे। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्राइसिंग ठीक ठाक कैसे करना पड़ेगा, सप्लाई डिमांड कैसे ठीक ठाक करना पड़ेगा, मार्केट में डिमांड कितना है उस हिसाब से सप्लाई करना पड़ेगा। मार्केट में डिमांड ही नहीं है और तुम क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट बना ही जा रहे हो, तो पूरा जो प्रोडक्ट है तुम्हारा वो तो तुम सेल ही नहीं कर पाओगे क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है। तो कैसा डिमांड है, कितना डिमांड है, वो देखना पड़ेगा। मानो तो तुम्हारा एक दुकान है, दुकान में जब सामान तुम्हारे पास है तो तुम क्या करते हो, जैसे जैसे सेल होता है जो तुम्हारा स्टॉक है वो घटता है, उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, जो जहां से प्रोडक्ट लेते हैं उसको ऑर्डर करते हैं कि इतना प्रोडक्ट मुझे अब चाहिए। या फिर तुम्हारा क्या है, तुम कोई मानो कि तुम्हारा कोई फैक्ट्री है, तुम्हारा एक छोटा मोटा बिस्किट का फैक्ट्री है। अच्छा, तुम डिफरेंट डिफरेंट डीलर को वो प्रोडक्ट भेजते हो, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे भेजते हो। अब जिसको चाहिए उसको भेजना है, अब उसको कितना यूनिट चाहिए, उसको जितना यूनिट चाहिए तुम्हारा फैक्ट्री से अगर भेजोगे तो खाली होगा ना, यहाँ से भेजोगे तो तुम्हारा यूनिट खाली होगा, यहाँ पे भेजोगे तुम्हारा यूनिट खाली होगा, इसको चाहिए तुम्हारा यूनिट खाली होगा, तो खाली होगा उसको तो फिर से फैक्ट्री में बनाना भी पड़ेगा। तो जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंटरी मॉडल, इन्वेंटरी मॉडल का मतलब कि इन्वेंटरी मॉडल बहुत जरूरी पड़ता है कि कोई भी प्रोडक्ट जब तुम सेल कर रहे हो, कहीं पे भेज रहे हो सेल करने के लिए, तो तुम्हारे पास कितना स्टॉक है वो तो अप टू डेट करना पड़ेगा, अप टू डेट करना पड़ेगा। क्योंकि मेडिसिन के दुकान में जाते हो ना, मेडिसिन के दुकान में जब जाते हो, छोटा मोटा एक एग्जाम्पल बोल देते हैं, नहीं सर ये जो मेडिसिन है ना सर, इसका मेरा पास सिर्फ दो ही स्ट्रिप है, आप नाम लिख दीजिए हम लोग शाम में, नहीं तो कल तक ला देंगे, दो स्ट्रिप है। अब बोलो तो अगर वो अपडेट ना करेगा, वो उसका कंप्यूटर में अगर वो अपडेट ना करेगा उसके सॉफ्टवेयर में, जो एक्सेल वगैरह जो सॉफ्टवेयर वो लोग यूज करता है, नाम बोलते हो क्या मेडिसिन के दुकान में, जब नाम बोलते हो वो लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा सा रुकिए हम लोग नाम देख के बोल देते हैं। वो लोग का एक एक्सेल सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में वो लोग नाम को डालेगा, अब देखेगा कि उसके पास वो अवेलेबल है या नहीं है। अब अवेलेबल है तो कितना स्ट्रिप अवेलेबल है, वो स्ट्रिप अगर तुमको दो, अगर मानो के पांच स्ट्रिप है और तुमने दो स्ट्रिप लिया ना, तो तुरंत वहां पे थ्री स्ट्रिप में अपडेट हो जाएगा। अगर वो अपडेट नहीं हुआ ना तो उसका तो बिजनेस चलेगा ही नहीं ठीक ठाक से, उसको तो मालूम ही नहीं चलेगा मेरे पास कितना स्टॉक है, मेरे पास कितना स्टॉक है मालूम ही नहीं चलेगा। तो दैट मीन्स कितना स्टॉक तुम सेल कर रहे हो, कितना स्टॉक आ रहा है, और बड़ा कंपनी को तो जरूरी है, बड़ा बड़ा कंपनी को तो जरूरी है, नहीं तो जो दुकानदार है वही क्या करेगा, अपने घर के लिए सब मेडिसिन वगैरह ले चला जाएगा। अगर मोबाइल का दुकान है तो मानो कि घर का कोई बोल रहा है कि तुम्हारे पास, तुम तो मोबाइल की दुकान में काम करते हो तो मेरे लिए एक मोबाइल ला दो ना, तो ठीक है वो ला देगा। अगर इन्वेंटरी सिस्टम अगर ना चलता कि कितना मोबाइल सेल हुआ है, कितना मोबाइल अभी स्टॉक है, एक एक हिसाब किया जाता है, उसके कारण जो बड़ा बड़ा कंपनी है ना वहां पे तुमको एक स्टॉक का भी गड़बड़ी नहीं दिखेगा। छोटा मोटा जगह पे गड़बड़ी हो जाता है, कोई तुम एक वारकर को रखे हो दुकान पे, वारकर को रखे हो तुम देखना बीच बीच में सामान गायब भी हो जाता है, सामान गायब हो जाता है, बट बड़ा कंपनी में नहीं कर पाओगे क्योंकि बड़ा कंपनी में एक सॉफ्टवेयर चलता है, वहां पे एक एक सिस्टम चलता है, इन्वेंटरी मॉडल जिसको बोलते हैं। इन्वेंटरी मॉडल लिनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी, इसका एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जगह है इन्वेंटरी मॉडल। समझ पा रहे हो इन्वेंटरी मॉडल का मैं क्या बात बोला, इन्वेंटरी मॉडल, या फिर टफ लग रहा है तुम लोग ये चीज, इन्वेंटरी मॉडल समझ आ रहा है तुम लोगों? हाँ सर, इन्वेंटरी मॉडल का क्या बात है, मैंने बोला इन्वेंटरी मॉडल डिपेंड करता है कि कौन सा स्टॉक तुम्हारे पास जो है उसको अप टू डेट करना पड़ता है, कितना स्टॉक है उसको तुम अप टू डेट करो, उस हिसाब से हम लोग काम कर पाते हैं बिजनेस में, उस हिसाब से हम लोग क्या काम कर पाएंगे बिजनेस में, उस हिसाब से काम कर पाएंगे।
तो सर ये जो लिनियर प्रोग्रामिंग पेपर है, ये पेपर कहाँ से आया? ये पेपर आया है ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशन रिसर्च, ये सब पेपर आएगा तुम लोगों का। अच्छा सेमिस्टर शायद 5, 6, 7 नहीं तो 8 में है, 7 नहीं तो 8 में ये पेपर आएगा, 7 नहीं तो 8 में ये पेपर आएगा, ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशन रिसर्च OR, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, OR, ऑपरेशन रिसर्च OR। ऑपरेशन रिसर्च का एक पार्ट होता है लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ऑपरेशन रिसर्च का एक पार्ट होता है लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP या फिर LP, कोई कोई लिनियर प्रोग्रामिंग जस्ट बोलता है LPP, एक पार्ट। कोई भी ऑपरेशन रिसर्च का बुक दोगे आप, सर आपने बोला सर ये सब जो बुक है ये ठीक है, लिनियर प्रोग्रामिंग का बुक उतना फॉरेन ऑथर का बुक अच्छा तुमको मिलेगा नहीं, वो लोग का बुक तुमको मिलेगा ऑपरेशन रिसर्च, गूगल में तुम सिर्फ सर्च करना ऑपरेशन रिसर्च का बुक, 100-100 बुक तुमको मिल जाएगा। मेरे पास ही तो करीबन 40 या 45 मैंने ड्राइव में डाउनलोड करके रखा है ऑपरेशन रिसर्च का जो बुक है। जो भी ऑपरेशन रिसर्च का बुक दिखेगा ना तुमको, उसके फास्ट कंटेंट रहेगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अगर ये इस बुक का अगर 1300-1300 या फिर 1400 पेज है, तो स्टार्टिंग का 300-400 पेज इसके लिए डेडिकेटेड रहेगा, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी। तो इसका मतलब अगर तुमको बाहर का राइटर का कोई बुक वगैरह नहीं मिल रहा है, तो असल में तुमको वो नहीं खोजना है, तुमको ऑपरेशन रिसर्च का बुक खोजना है। ऑपरेशन रिसर्च का जितना सारा बुक है सबका फास्ट कंटेंट होगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP। तो ऑपरेशन रिसर्च का हम लोग ए वाला पेपर पढ़ेंगे, और कौन सा पढ़ेंगे, ए पार्ट पढ़ेंगे, और कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, गेम थ्योरी, और कौन सा पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, गेम थ्योरी, ए वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, गेम थ्योरी। और भी पार्ट आता है, ये पार्ट हम लोग 7th या 8th सेम में जब हम लोग देखेंगे तब वो बात होगा। क्वीन थ्योरी, क्वीन थ्योरी जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखना, अच्छा क्योंकि बुक तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, बुक तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, क्वीन थ्योरी। उसके बाद आता है जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की है ना, यहाँ पे आता है नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, मतलब हम लोग तो लीनियर पढ़ेंगे, हम लोग जो जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना वहां पे सभी वेरिएबल का पावर 1 रहेगा। लीनियर का मतलब क्या है, जहां पे पावर सर 1 रहेगा। नॉन लीनियर का मतलब क्या है, वेरिएबल का पावर 1 होना जरूरी नहीं है, एक्स के साथ वाई मल्टीप्लाई अगर है तो ये लीनियर नहीं हुआ, तो लीनियर नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और क्या क्या आता है सर यहाँ पे, क्वीन थ्योरी बोले, इन्वेंटरी मॉडल, इन्वेंटरी मॉडल, इन्वेंटरी मॉडल, इन्वेंटरी मॉडल। नेक्स्ट इज साइमुलेशन, ठीक है, ये सब सिर्फ नाम लिख के रख, ऑपरेशन रिसर्च का ये सब काम है। लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी में हम लोग जो काम करेंगे, सिलेबस में तो हम लोग का ए है अभी के लिए, और जब बाद में ऑपरेशन रिसर्च आएगा तो बाकी सब ऐड होते जाएगा, हालांकि सब ऐड होगा ऐसा कोई बात नहीं है, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, क्वीन थ्योरी, ये सब वगैरह ऐड होते जाएगा। अभी के लिए हम लोग का क्या है, अभी के सेम में हम लोग का क्या है, 3rd सेम में ये वाला बात है, 3rd सेम में। तो पहले तो हम लोग जब लीनियर प्रोग्रामिंग गेम थ्योरी हम लोग पढ़ रहेंगे, तो ये किस ब्रांच पे आ रहा है, ऑपरेशन रिसर्च ब्रांच पे आ रहा है, और उसके बाद हम लोग जब 7th 8th में ये वाला पेपर जब पढ़ेंगे, ऑपरेशन रिसर्च वाला, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ऑपरेशन रिसर्च पेपर का दूसरा एक नाम है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, MSc में पेपर होता है, बट क्योंकि तुम लोगों का 4th ईयर का ग्रेजुएशन है, तो 4th ईयर के ग्रेजुएशन में ये पेपर आएगा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, तो उस पेपर में हम लोगों को एक्स्ट्रा, उसके बाद ये सब नहीं रहेगा, उसके बाद वाला कॉन्टेंट रहेगा, मतलब वो तब अपडेट वर्जन हो जाएगा, ऑपरेशन रिसर्च का इतना पढ़ चुके हैं, अब बाकी वाला वर्जन पढ़ना पड़ेगा तुमको। तो पहले क्या लिख रहे हो, ऑपरेशन रिसर्च का डेफिनेशन, ऑपरेशन रिसर्च का
ডেফিনেশন, অপারেশন, রিসার্চ, ডেফিনেশন। ও আর जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखना हाँ, और साइड में अगर कुछ रैप वगैरह कर रहा हूँ तो वो भी साइड में थोड़ा सा करते रहना। इससे क्या होगा जब तुम, क्योंकि ये सब तो याद नहीं रहेगा ना, कॉपी में रहेगा तो एक बार देख लोगे तो दिमाग में ये हो जाता है। इसीलिए जब भी कोई भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ ना, कोई साइड में रैप वगैरह कर रहा हूँ तो उसको साइड में लिखते रहो, उसको साइड में लिखते रहो। तो उससे अच्छा क्या होगा कि तुम्हारे लिए बाद में अगर रिविजन वगैरह करोगे ना उसमें तुमको समझने में आसानी होगा। तो ऑपरेशन रिसर्च, ओ आर ई जे, ओ आर ई जे साइंटिफिक अप्रोच, ओ आर इज अ साइंटिफिक, ओ आर इज ए ऐसे लिखे तो ऐसे कोलोन देना है, ओ आर इज ए साइंटिफिक अप्रोच। ओ आर इज ए साइंटिफिक अप्रोच टू डिटरमाइन मेकिंग, टू डिटरमाइन, नो, मैंने क्या लिख दिया, ओ आर इज ए साइंटिफिक अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, टू डिसीजन मेकिंग। ओ आर इज ए साइंटिफिक अप्रोच फॉर डिसीजन मेकिंग व्हिच सीक्स, व्हिच सीक्स टू डिटरमाइन हाउ बेस्ट टू डिजाइन, हाउ बेस्ट टू डिजाइन एंड ऑपरेट ए सिस्टम, ऑपरेट ए सिस्टम अंडर कंडीशन रिक्वायर्ड the allocation of scarce resources, क्या बोल रहा है इसका मतलब? ओआर जो है ना, ऑपरेशन रिसर्च, ए सब्जेक्ट का मेन मोटो एक ही है कि हम लोग साइंटिफिक अप्रोच यूज करेंगे फॉर मेकिंग डिसीजन। मुझे कोई डिसीजन मेक करना है कि कंपनी को किस हिसाब से चलाए, कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो करे, मैनेजमेंट जो डिसीजन वगैरह करता है वो सब वो ऑपरेशन रिसर्च का ऊपर सब तुम्हारा एक्सपर्ट है वो सब। हाउ टू मेक डिसीजन बिजनेस में, डिसीजन मेकिंग कैसा करना है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर का बिजनेस हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट तुम बना रहे हो तो डिसीजन मेक करना है। डिसीजन मेक तो हम लोग हर एक जगह पे करते हैं, डिसीजन मेक क्या करते हैं हम लोग ईच एंड एवरी जगह पे करते हैं कि किस हिसाब से हम लोग को डिसीजन मेक करना है। हाउ टू डिटरमाइन द बेस्ट डिजाइन, बेस्ट डिजाइन मतलब कोई चीज मुझे एग्जीक्यूट करना है, कोई प्लानिंग वगैरह करना है तो उस हिसाब से कैसे डिजाइन करे। कोई मानो कि तुमको एक पार्टी वगैरह करना है, कोई पार्टी वगैरह करना है, बर्थडे पार्टी करना है, तो एक डिसीजन मेक करते हो ना कि इस हिसाब से सर काम करेंगे, इतना पैसा उठाएंगे, उसी पर हेड इतना ये करेंगे, या फिर जो भी ये करेंगे, या फिर इतना खर्चा पड़ेगा। तो ये सब चीज एक हम लोग डिसीजन बनाते हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि ऐसा ऐसा काम करेंगे तो एक अच्छा सा सेलिब्रेशन होगा। तो सेम कोई भी कंपनी जब कोई चीज बनाता है उसमें भी वो डिसीजन लेता है कि इस हिसाब से काम करना है। कोई तुम बिल्डिंग वगैरह बना रहे हो, अपना घर बनाओगे, घर को डेकोरेशन करोगे, तो उसमें भी तुम अपना सोचोगे कि सर ऐसे ऐसे काम करना है। तो हर एक जगह पे तुम डिसीजन मेक करते हो, सिर्फ एक ही टारगेट है सर वो बेस्ट हो जाए। एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, तो अच्छे से तैयारी कर रहे हो ताकि तुम्हारा नंबर अच्छा आए।
करियर के लिए तुम सोच रहे हो कि सर ऐसा ऐसा काम करेंगे, तो उसके लिए तुम अपना बेस्ट करने का कोशिश कर रहे हो। मतलब जो भी जगह पे तुम काम कर रहे हो अपना बेस्ट चाहते हो कि सर मुझे बेस्ट करना है, बट उसके लिए हम लोग अपना लॉजिक यूज करते हैं। बट उसके लिए तो हम लोग कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं पढ़े, वो तो नॉर्मल लॉजिक, वो तुमको आसपास समाज से ही, तुमको आसपास से ही, तुमको पापा मम्मी से, आसपास फ्रेंड लोगों से इसके तुमको टेक्निक डेवलप हुआ है। बट हम लोग यहाँ पे साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक कुछ मेथड्स है इसके ऊपर, साइंटिफिक मेथड, बहुत मैथमेटिशियन बोलो, साइंटिस्ट बोलो, इसके ऊपर बहुत टाइम से काम कर रहा है। और ये पेपर के ऊपर इतना काम हो गया है ना अभी, मतलब इतना सारा रिसर्च हो गया है, तो इस पे हम लोग बहुत बड़ा बड़ा कंपनी में ये सब यूज होता है, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी, जो भी कंपनी सोचोगे उसमें यूज होगा। कौन सा कंपनी सर? गूगल, गूगल में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है मैं सब बोल दूंगा। क्लाउड ड्राइव, गूगल का जो क्लाउड स्टोरेज है वहां पे तुम्हारा ऑपरेशन रिसर्च का जो डाटा 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 स्टोरेज होता है ना, डाटा क्लाउड, उसमें यूज होता है। अमेजोन, अमेजोन का जो स्टॉक अपडेट रहता है, अमेजोन का जो ऐप रहता है, इन्वेंटरी मॉडल, फेडेक्स, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो लोग क्या करता है, अगर कोई दूसरा कंट्री से तुमको सामान वगैरह इम्पोर्ट करना पड़ता है तो फेडेक्स सबसे पॉपुलर है। मतलब वो लोग लॉजिस्टिक्स में वर्ल्ड में एक नंबर माना जाता है, लॉजिस्टिक में वर्ल्ड में एक नंबर माना जाता है फेडेक्स को। और अमेजोन तो जानते हो, उबेर, पूरा वर्ल्ड में जो तुम्हारा टैक्सी कैब का जो बात है, उबेर, उबेर का जो सिस्टम जो ऐप में चलता है, वहां पे एक ऑपरेशन रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो बहुत जन सोच सकता है सर ये जो पढ़ाई वढ़ाई का कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं होता है, उबेर में जा रहे हो वही बात तुम कर रहे हो, तुम अमेजोन में ऑर्डर कर रहे हो वही बात तुम कर रहे हो कि सर यूज नहीं हो रहा है। एक एक चीज वो बना हुआ है, वो जो डिसीजन बना रहा है अमेजोन, जो डिसीजन बना रहा है कि कैसा क्या इन्वेंटरी मॉडल हम लोग रखे ताकि कितने सस्ता में प्रोडक्ट दे पाए, लड़ाई हो रहा है अमेजोन के साथ, फ्लिपकार्ट का लड़ाई हो रहा है कि कितना कम में दे दे, नया सेल आएगा उसमें कितना कम में दे सकते हैं, कितना स्टॉक रखेंगे, ऐसा जो कैलकुलेशन होगा वो सब कैलकुलेशन ऑपरेशन रिसर्च का है। और वो तो बराबर इनका काम है, बड़ा बड़ा मैनेजमेंट टीम है, एक एक जन सैलरी करोड़ में लेता है। वो तो सब्जेक्ट तब, ये तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये ABCD पढ़ेंगे, हम लोग जो फास्ट अभी के जो सेम में पढ़ेंगे ये तो ABCD पढ़ेंगे, ये तो टेक्निक चलते जाएगा। ऑपरेशन रिसर्च का जितना सारा पेपर है वो पढ़ते पढ़ते, ऐसा लोग भी है वो पूरा साल, मतलब एक दो प्रोफेसर है, मैं अगर नाम बोलूंगा, ये लोग पूरा ऑपरेशन रिसर्च का ही एक्सपर्ट है। मतलब तुमको IIT वगैरह में ये सब में मिल जाएगा, वो लोग बहुत सारा कंपनी के साथ कनेक्टेड रहता है, तो ऑपरेशन रिसर्च का ही वो लोग एक्सपर्ट है, फुल्ली ऑपरेशन रिसर्च ही वो लोग काम करते हैं, बाकी कुछ पेपर में वो लोग डील नहीं करते है। जरूरी भी नहीं पड़ेगा क्योंकि इतना वैल्यूएबल पेपर है, और क्या जरूरी पड़ेगा। तो ऑपरेशन रिसर्च क्या है, सिंपल सा बात है, साइंटिफिक अप्रोच टू मेकिंग डिसीजन। हम लोग साइंटिफिक अप्रोच से डिसीजन मेक करेंगे ताकि क्या हो, बेस्ट टू डिजाइन हो। लास्ट वाला एक बात देख पा रहे हो, कंडीशन रिक्वायर्ड एलोकेशन स्कार्स रिसोर्सेस। देखो जो भी सामान तुम यूज करते हो ना, उसमें क्या होता है, जो भी सामान तुम यूज करोगे वो उसका स्टॉक तो अनलिमिटेड नहीं होता है। तुम घर में जो भी सामान यूज करते हो तो लिमिटेड है, तुम कोई चीज बना रहे हो तो उसके लिए जो तुम मटेरियल्स यूज कर रहे हो वो भी तो सर लिमिटेड है, वो भी तो लिमिटेड है। ये जो ऑपरेशन रिसर्च जो सब्जेक्ट है ना, ये डेवलप्ड हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में। वर्ल्ड वॉर टू कब स्टार्ट हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 कब स्टार्ट हुआ था? हिस्ट्री वगैरह नहीं सर जानते उन्नीस क्या सौ तुम? बयालीस 1942? ना ना ना, 1942 ना, वर्ल्ड वॉर 2 कब चालू हुआ था कोई बोलो? 1939। हाँ 1939 शायद, एक बार देख लो तो, तब भी 1939 ही शायद होगा वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 1939 से लेके 1945 शायद, 1939 से लेके 45 शायद, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 में ए फर्स्ट इसका यूज हुआ था, फर्स्ट इसका यूज हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में। किस हिसाब से सर ये यूज किस हिसाब से हुआ था? देखो जो वार वगैरह है ना, इस पे मिलिट्री प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री प्रॉब्लम मतलब देखना, जब कोई वार वगैरह का सोच होता है ना, तो तब देखता है इस कंट्री के पास कितना मिलिट्री पावर है, इसके पास कितना एयरक्राफ्ट है, इसके पास कितना शिप वगैरह है, रडार वगैरह कैसा एडवांस है। सर ये जो है ना सर, ये आपका क्या करता है,
जैसे क्या होता है ना, इसराइल का क्या बोल रहे हैं अभी, नया चीज आया ना, आयरन ड्रोम बोल के कुछ आया ना, जो क्या होता है कोई भी मिसाइल वगैरह आता है ना, उसको क्या कर लेता है, उसको माने उसको बंद, उसको डीएक्टिवेट कर देता है, माने वो कोई काम नहीं कर पाए ऐसा कुछ काम करता है। तो जो वार वार वगैरह में क्या होता है कि तुमको जो कोई भी मिसाइल वगैरह अगर तुमको तुम्हारे कंट्री में ये हो रहा है, तो तुम उस हिसाब से तो अपना क्या बनाते हो, एक डिफेंस सिस्टम बनाते हो। तो डिफेंस सिस्टम का यही बात है। तो अब देखो, तो डिफेंस सिस्टम में तुम जानते हो जैसे आयरन डोम वो लोगों के पास जो है, इंडिया के पास तो नहीं है इसको, इंडिया का भी डिफेंस सिस्टम में कुछ है, क्योंकि एक एक चीज में कॉस्टिंग वगैरह जाता है ना, एक एक जो सब क्या बोलते हैं कि एयरक्राफ्ट वगैरह, एक एक एयरक्राफ्ट में एडवांस एयरक्राफ्ट का एक एक का कॉस्ट शायद कभी कभी 500-600 करोड़ में भी शायद चला जाता है एक एक एयरक्राफ्ट का कॉस्ट। तो एयरक्राफ्ट जो है, जो शिप वगैरह है, डिफरेंट डिफरेंट शिप वगैरह होता है, एक यूएसए का आता है 7th स्प्लिट बोल के कुछ शायद, ठीक है, तो वो तो सबसे पावरफुल है। तो ये सब जो है एक लिमिटेड रिसोर्स रहता है, तुम वार में इसको अनलिमिटेड यूज नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास एक लिमिट है, इतना ही तुम्हारे पास एयरक्राफ्ट है, इतना ही तुम्हारे पास शिप है। ऐसा नहीं है कि एयरक्राफ्ट तुम छोड़ रहे हो कि सर मेरे पास करोड़ करोड़ एयरक्राफ्ट है, करोड़ करोड़ एयरक्राफ्ट पॉसिबल है कभी? एक एक एयरक्राफ्ट का इतना कॉस्टिंग है तो कम है, तो इसका मतलब सर इसको यूज, सर इसका जो यूज वगैरह है ऑप्टिमाइज वैसे करना चाहिए, इसका यूज जो है मुझे क्या करना चाहिए, ऑप्टिमाइज वैसे करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज वैसे करना पड़ेगा एयरक्राफ्ट का यूज, शिप वगैरह का यूज ऑप्टिमाइज वैसे करना पड़ेगा। और जो रेडर वगैरह होता है, रेडर वगैरह जो होता है, रेडर क्या करता है, रेडर तुम्हारा रेडर से मालूम चलता है कि रेडर से क्या मालूम चलता है तुमको दूसरा? কোন এয়ারক্রাফট ঢুকেছে কিনা हाँ মানে এর মধ্যে हाँ দেশের তো মধ্যে। অগর হ্যাঁ, অন্য অন্য দেশ থেকে যদি কোনো মিসাইল বা কোনো কিছু যদি তোমার কান্ট্রিতে আসে, তুমি একদম ডিটেক্ট করে নিতে পারবে এয়ারক্রাফ্ট, যে কোনো কিছু, ও তোমারা মিসাইল বগেরা হো ইয়া ফির কোই ভি মতলব এক্সট্রা কুছ ড্রোন বগেরা হো, ড্রোন সে ভি অভি বহুত সারা হামলা বগেরা হো রহা হ্যায়, ঠিক হ্যায়। তো এই বাত হিন্দি মে থোড়া সা মুঝে ওয়ার্ড বগেরা থোড়া সা মালুম নেই চলতা হ্যায়, বাট ঠিক হ্যায়, সমঝ আ রহা হ্যায় তুম লোগো। রেডার বগেরা, আব রেডার কা তোমারা এসা তো হ্যায়, রেডার বগেরা জো হ্যায় ইসকা ভি তো এক কস্টিং হ্যায়, इसका भी तो एक 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 कॉस्टिंग है। एक ड्रोन में देख रहा था, मतलब इसके लिए क्या बोलते हैं कि वो सब इसके लिए यूज होता है, माने एकदम कितना छोटा ड्रोन था, शायद 2 सेंटीमीटर या फिर कितना, एकदम सबसे छोटा ड्रोन, मतलब वो जो सबसे छोटा या बाड़ा आता है ना, उससे भी छोटा है, मतलब वो तुम देख नहीं पाओगे, वो कितना शायद 2.5 करोड़ के आसपास उसका एक पीस का दाम है। और उसके पास इतना सारा क्वालिटी है, इतना सारा क्वालिटी है, मतलब कैमरा से लेके तुम बहुत सारा चीज डिटेक्ट कर पाओगे कि कहाँ कहाँ पे क्या वगैरह, मतलब एक बहुत हाई फीचर्स वाला एक ड्रोन है। तो एक ड्रोन का कॉस्टिंग इतना पड़ रहा है, तो ये सब कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो छोटा मोटा ड्रोन एक कंट्री में कितना यूज करना पड़ेगा, तो इतना सारा अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है, तो ये सब लिमिटेड है। अब लिमिटेड है तो तुमको कहाँ पे यूज करना है ये भी देखना पड़ेगा, जो सब जगह सेंसिटिव है वो सब जगह पे यूज होगा, कश्मीर वगैरह में ये सब जगह में ये सब ज्यादा यूज होगा, जहां पे इम्पोर्टेंस है वो सब जगह। ये सब ड्रोन तुम क्या बोलो सर, ये सब ड्रोन सर कलकत्ता के सियालदा में यूज कर लीजिएगा सर, सियालदा में कितना जन अंदर आ रहा है, कितना जन बाहर आ रहा है, कोई काम है क्या? फालतू फालतू खर्चा करने से फायदा होगा? कहीं पे भी यूज कर लोगे तो नहीं जरूरी है, तो कौन सा चीज कहाँ पे यूज करना है। अब ये जो ड्रोन यूज करोगे, जो 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 दूसरा कंट्री है इसको अगर ट्रैक कर पा लेगा, तो वो तो पहले इसको उड़ा देगा, तो एक ड्रोन को उड़ा दिया 2.5 करोड़ खत्म, ऐसे 10 बार ड्रोन उड़ा देगा तो खत्म हो जाएगा सब, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सब बात है यहाँ पे, ये सब बात है। तो रेडार जो है ना, ब्रिटिश मिलिट्री, ब्रिटिश जो है, इंग्लैंड जो है, वो लोग वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था, तो वो लोग के लिए, वो लोग ने पहले क्या किया, जो जो साइंटिस्ट वगैरह है ना, तब उस टाइम में जो सब, क्योंकि तब तो वर्ल्ड में इंग्लैंड का एक अलग ही पावर था, अलग ही पावर था, इंडिया में तो वो लोग पूरा 200 साल शासन करके गया। तो उसमें क्या हुआ, साइंटिस्ट लोगों को वर्ल्ड में जितना अच्छा अच्छा साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन, इंजीनियरिंग बोलो, फिजिक्स में बोलो, जो जो एक्सपर्ट है, सबको वो लोग बुलाया कि हम लोग का ये प्रॉब्लम है, मिलिट्री प्रॉब्लम है, मतलब इसको ऑप्टिमाइज तरीके से यूज करिए, ताकि हम लोग एक एक चीज को बेस्ट वे में यूज कर सकते हैं।
जहां पे रडार चाहिए वहां पे दीजिए। रडार का अगर मानिए कि इसका कैपेसिटी है, सिग्नल कैपेसिटी मानिए कि 2 किलोमीटर है, तो उसके बाद कौन सा पोजीशन में दूसरा रडार बैठा जाए ताकि मुझे अच्छे से, मैं नंबर ऑफ रडार पूरा कम यूज करूं और मेरा पूरा सिक्योरिटी कवर हो जाए, सिक्योरिटी कवर हो जाए। एक घर में 2 सीसीटीवी लगाना है तो कहाँ पे लगाते हो वो सोचते हो ना, या फिर दोनों सीसीटीवी को आसपास लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या होगा, कोई कोई फायदा नहीं होगा। तो सिक्योरिटी पे हम लोग क्या करते हैं, चूज करते हैं कि सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगाए, एक मेन गेट के बाहर लगाते हैं और एक सब कुछ मानो कि कोई दूसरा एक जगह पे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये सब चूजिंग होता है। तो रडार एक बहुत ही एक ये चीज है, तो कोई कोई सीसीटीवी का बात नहीं है, रडार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहाँ पे रडार लगाए ताकि कोई दूसरा कंट्री से कोई मिसाइल वगैरह या फिर कोई ड्रोन वगैरह आए तो हम लोग एयरक्राफ्ट वगैरह आए तो उसको ट्रैक कर पाए। तो फास्ट डेवलपमेंट हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में फॉर द सॉल्विंग मिलिटरी प्रॉब्लम, फॉर द सॉल्विंग मिलिटरी प्रॉब्लम, मिलिटरी प्रॉब्लम, अच्छा मिलिटरी प्रॉब्लम, तो ये वाला वर्ड मैं लिख रहा हूँ, मिलिटरी प्रॉब्लम, मिलिटरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये यूज किया गया था। सिर्फ एक ही फोकस था कि वार में जो सब रडार वगैरह यूज हो रहा है, सबमरीन भी तो यूज होता है, सबमरीन जो सी के अंदर रहता है, सबमरीन वो भी तो यूज होता है कि सबमरीन जो है उसको डिटेक्ट किया जाए, कोई दूसरा कंट्री सबमरीन भेज रहा है, अगर तुम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे तो वो तो अंदर से आके पूरा हमला कर देगा, अटैक कर देगा। तो सबमरीन वगैरह, अब देखो तुम जानते हो कि जो सबमरीन वगैरह है ये लिमिटेड है, सबमरीन वगैरह लिमिटेड है, कोई कोई सबमरीन पानी के नीचे 3 महीना भी रह सकता है, और वो सबमरीन का कॉस्ट ना कि इंडिया के पास वो सबमरीन है ही नहीं वो, और सबमरीन जो है ना वो लीज पे लेना पड़ता है, सबमरीन जो है वो लीज पे लेना पड़ता है, लीज पे मतलब इंडिया के पास 2 सबसे पॉपुलर जो सबमरीन है ना वो 20 साल या 25 साल के लिए रशिया से या यूएसए से वो लीज पे लिया हुआ है, अच्छा वो खरीदा नहीं है, वो लीज पे लिया हुआ है, उसके बाद फिर से बाद में शायद वो लीज रिन्यू वगैरह करेगा वो अलग बात है। तो ये सब चीज का इंपॉर्टेंस है। तो मेन फोकस क्या था कि एक साइंटिफिक मेथड से हम लोग, एक साइंटिफिक मेथड से, साइंटिफिक मेथड यूज करके ऐसा डिसीजन बना पाए ताकि जो ओपिनियन कंट्री है उसको हम लोग अच्छे से क्या उससे लड़ाई कर पाए, ओपिनियन कंट्री, ओपिनियन कंट्री उससे अच्छे से लड़ाई करने के लिए डिवीजन बनाया गया था, ठीक है। तो ये सब बात हो गया यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 में, ये बात हम लोग कर ली। अब चले जाओ, बट बात क्या है ना, वर्ल्ड वॉर 2 तो खत्म हो गया, कब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, बट मेन बात क्या है ना, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया जिसके लिए इस पेपर को बनाया गया था, बाद में मालूम चला ये पेपर तो इसी के लिए, ये माने एक काम के लिए तुमने एक चीज का डेवलप किया और बाद में देख पा रहे हो कि वो चीज का बहुत यूज हो रहा है, तो इस पेपर को तब क्या किया गया, हर एक जगह पे यूज किया गया, हर एक जगह पे यूज किया गया, हर एक जगह पे यूज करने का मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सब इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री बहुत सारा फैक्ट्री वगैरह बड़ा बड़ा जो कंपनी है वो लोग यूज करने लगा, मतलब अभी के लिए क्या यूज होने लगा कि सिविलियंस के लिए, सिविलियंस के लिए ए सब्जेक्ट का यूज होने लगा। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर आज वाला क्लास सिर्फ इसी के लिए है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, इसका यूजेस मेनली होने लगा कि कोई इंडस्ट्री के लिए, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री मैंने बोला, और भी बड़ा बड़ा जो कंपनी वगैरह है कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, ठीक है, कॉमर्शियल, कॉमर्शियल पर्पस पे, कॉमर्शियल, ठीक है, कॉमर्शियल ग्रोथ के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, पोस्ट वर्ल्ड वॉर माने पोस्ट वर्ल्ड के बाद जहां भी जो यूज हो रहा है, लॉजिस्टिक्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, नंबर 5 हेल्थ केयर के लिए,
हेल्थ केयर के लिए, एक बड़ा बड़ा हेल्थ केयर जो होता है ना, बड़ा बड़ा जो क्लिनिक वगैरह होता है, अपोलो वगैरह बोलो, और भी जो बड़ा बड़ा क्लिनिक है जहाँ पे कितना सारा डॉक्टर रहता है, कितना सारा नर्स वगैरह रहता है, कितना सारा ऑपरेशन वगैरह चलता है, तो वहाँ पे वो सब सिस्टम को मैनेज करना पड़ता है। विदाउट मैनेजमेंट से काम नहीं होगा, विदाउट मैनेजमेंट से काम थोड़ी होगा। तो ये सब वगैरह फाइनेंस, फाइनेंस बोलते हैं ना, फाइनेंस रिस्क मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड आर द सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो रिस्क मैनेजमेंट करना है, फाइनेंस, फाइनेंस रिस्क मैनेजमेंट करना है। रिस्क मैनेजमेंट तभी कर पाओगे जब तुम वो सब्जेक्ट जानोगे। अच्छा, जब तुम वो सब्जेक्ट जानोगे तो जो जो लोग क्या बोलते हैं कि जो सीए वगैरह है, जो मैनेजमेंट वगैरह का कोर्स करता है, वो लोग क्या बोलते हैं कि एमबीए वगैरह ये सब में ऑपरेशन रिसर्च जो है वो मेन पेपर माना जाता है, ऑपरेशन रिसर्च चीजें मेन पेपर। ठीक है, तो ये सब कुछ बात है। एक बार थोड़ा रुको, तो ठीक है, अभी लेटेस्ट में अगर देखने जाओगे, अभी अगर लेटेस्ट में देखने जाओगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नंबर 8, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग ये सब के लिए। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, तो ये सब चीज यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, यूज वगैरह होता है। ठीक है, और कुछ बात अगर है, एक बार थोड़ा सा रुको तो। एक बार थोड़ा सा रुक जाओ। अच्छा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, टेली कम्युनिकेशन एंड आईटी, केशंस एंड आईटी, नेटवर्क डिजाइन, नंबर 13, वायर हाउस ऑप्टिमाइजेशन, इन्वेंट्री वाला बोले नहीं, इन्वेंट्री ना, इन्वेंट्री वाला तुम बोलना चाहिए था, इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन, इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन, इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन, नंबर 14, पेशेंट शेड्यूलिंग, हेल्थ केयर में, हेल्थ केयर में जो पेशेंट को शेड्यूल किया जाता है, पेशेंट शेड्यूलिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, प्राइजिंग एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट, सब नाम से मालूम चल रहा है कि क्या क्या चीज़ है ये सब। प्राइजिंग,
पॉइंट नाम कर दे रहे, हेडिंग कर दे रहे, इससे तुमको अंदर में थोड़ा सा बहुत मालूम चल जाएगा कि प्राइजिंग एंड रेवेन्यू, रेवेन्यू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एयरलाइन शेड्यूलिंग, एयरलाइन शेड्यूलिंग मतलब कौन सा या जो एरोप्लेन वगैरह है उसका शेड्यूलिंग के लिए, एयरलाइन शेड्यूलिंग, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट क्लाइमेट के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट क्लाइमेट के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं। डिजास्टर रिलीफ, रिलीफ डिजास्टर में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट हम लोग प्लानिंग वगैरह करते हैं, डिजास्टर रिलीफ, इमरजेंसी मैनेजमेंट, डिजास्टर रिलीफ एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट, मिलिट्री ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन नंबर 23। अब कुछ सॉफ्टवेयर के लिए बोलते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर के लिए बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सप्लाई चेन में, सप्लाई चेन में, सप्लाई चेन में फेडेक्स, अमेजोन, सप्लाई चेन में फेडेक्स, अमेजोन, फेडेक्स, अमेजोन एंड सो ऑन, और भी नाम है। हेल्थ केयर का तो बात हो ही गया, थोड़ा सा AWS, अमेजोन वेब सर्विस जो बहुत पॉपुलर है, अमेजोन वेब सर्विस, अमेजोन वेब सर्विस, अमेजोन वेब सर्विस, अमेजोन क्लाउड कंपनी, तुम लोग सिर्फ शायद जानते हो अमेजोन सिर्फ ऑनलाइन में प्रोडक्ट डिलीवरी वगैरह सिर्फ नहीं करता है, इसका मेन बिजनेस है अमेजोन वेब सर्विस। अच्छा, अमेजोन वेब सर्विस मैंने क्लाउड कंपनी, क्लाउड, क्लाउड वाला जो बिजनेस है ना, इसका सबसे मेन बिजनेस है। ट्रांसपोर्टेशन, 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 ट्रांस पोटेशन, एंड राइड शेयरिंग, इसमें उबेर एक्सेट्रा। तो देखो इतना सारा हम लोगों ने बात कर लिए। हाँ, और एक जो मुझे एक बार बोलना था, देखना तो प्राइस वगैरह उबेर, उबेर ओला में, उबेर ओला में देख, ये तो बहुत तुम लोग फील किए हो, अभी एक प्राइस दे रहा है 230 रुपया, 1 मिनट बाद वो 240 हो जाता है, कभी 250 हो जाता है, कभी 260 हो जाता है, सर मालूम नहीं चलता है, शायद मेरे ऊपर कोई दुश्मनी है इसलिए मेरे ऊपर प्राइस ज़्यादा बढ़ जा रहा है। अच्छा, तो ये जो प्राइस सिलेक्शन के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है ना, डायनेमिक प्राइसिंग, जिसको बोलते हैं डायनेमिक प्राइसिंग, डायनेमिक प्राइसिंग का मतलब क्या है, प्राइस टाइम टू टाइम चेंज होता है, फिक्स कोई ये नहीं है कि उबेर में अगर तुम यहाँ पे जाओगे तो तुमको 200 रुपया ही लेगा, डायनेमिक प्राइसिंग।
ডাইনামিক প্রাইজিং, আব কন সা রুট আচ্ছা হোগা, কন সা রুট আচ্ছা হোগা তাকি ক্যা না হো, ওই ট্রাফিক জাম বগেরা উসকে লিয়ে দিক্কত না হো। তো রিয়াল টাইম একদম এক্সাক্ট টাইম মে দেখনা, এক্সাক্ট টাইম মে দিখাই যাতা হ্যায় জিপিএস বগেরা মে দেখ সকতে হো কি ইয়ে জো রুট হ্যায় না, ইয়ে রুট মে জ্যাদা তুমকো টাইম লাগেগা জানে মে, রিয়াল টাইম রুটিং। इतना सारा जो एप्लीकेशन है, ओ आर का कितना सारा एप्लीकेशन है, मैंने कुछ लिखा है और भी है, अब वो नहीं बोल रहे हैं। गूगल में, गूगल क्लाउड में यूज होता है, ठीक है। तो देखिए इतना सारा एप्लीकेशन हम लोगों ने बोल दिया, अच्छा ये सब सिर्फ इससे, इतना सारा एप्लीकेशन बोलने के पीछे एक ही कारण है कि कितना यूज है ये सब पेपर का। ऑपरेशन रिसर्च में आप कुछ रिमार्क करेंगे, हाँ उसके बाद हम लोग एलपी का डेफिनेशन यूज करेंगे। हो गया ये वाला काम, हो गया हम लोग का ये वाला काम, हो गया हम लोग का इंट्रो वाला काम ऑलमोस्ट हो ही चुका है। हिस्ट्री नहीं है, अच्छा ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह बोले, बट यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़ेंगे। क्या लिख रहे हो, कुछ रिमार्क? क्या रिमार्क लिख रहे हो के नंबर वन, इस पे हम लोग क्या करते हैं, इस पे प्रोवाइड किया जाता है एक सेट ऑफ एल्गोरिदम। देखो जो भी प्रॉब्लम में काम करेंगे, आइदर वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो, सप्लाई चेन प्रॉब्लम हो, या फिर इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन हो, क्यूइंग थ्योरी हो, लॉजिस्टिक मॉडल हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर हिसाब से या फिर मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से, नेटवर्क डिजाइन हो, प्रोडक्ट्स प्लानिंग हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, ये सब चीज में, वेस्ट मैनेजमेंट हो, सब चीज में ना एक एक एल्गोरिदम चलेगा। हर एक का एक एक, एक एल्गोरिदम है। हम लोग के सिलेबस में जैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, सिंप्लेक्स मेथड है, डुअल डुअल फेज मेथड है, अच्छा ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, ये सब एक एक टाइप का एल्गोरिदम है। इसके ऊपर बेस हम लोग ये चैप्टर है, ये सब इसके ऊपर बेस हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन वगैरह सब सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे। जैसे गेम थ्योरी है, तो ये सब जो एक एक चैप्टर है ना, सबका एक एक एल्गोरिदम है, सम सेट ऑफ एल्गोरिदम है, उसको यूज करके एक एक स्टेप में हम लोग काम में लेते हैं। तो प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ एल्गोरिदम दैट एक्ट एज टूल्स फॉर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग नंबर टू, टुडे इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट साइंस। जो मैनेजमेंट साइड है, साइंस है ना, ये ऑपरेशन रिसर्च ही है, मैनेजमेंट साइंस, क्योंकि मैनेज करना है तुमको, कोई भी काम है उसको मैनेज करना है, तो ऑपरेशन रिसर्च का ही बात है। ऑपरेशन रिसर्च को बहुत जन अभी मॉडर्न में क्या बोलता है, ये सर मैनेजमेंट साइंस है, और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ठीक है, और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। अब चले अब डेफिनेशन ऑफ एलपी। तो देखो ऑपरेशन रिसर्च का जो जो बात है मैंने बोल दिया, ऑपरेशन रिसर्च के ऊपर जितना सारा बात कर दिया मैंने कर दिया, अब इस पे हम लोग और बात नहीं करेंगे, अब हम लोग एलपी पे चला रहे, लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एलपी पे एलपी का कुछ इंट्रोडक्शन देके हम लोग चालू करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम। एलपी का कुछ इंट्रोडक्शन देके, एलपी का टोटल जो बात है उसका बोल के हम लोग चालू करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम से चैप्टर चालू होगा, एलपी का जो चैप्टर है वो चालू होगा असाइनमेंट प्रॉब्लम से। फर्स्ट क्या लिख रहे हो,
डेफिनेशन ऑफ एलपी। एक बात बोलो तो, एक बात तुम लोगों, अभी सर अभी जितना सारा बात हो रहा है सिर्फ एक चीज पे फोकस हो रहा है ना, एक चीज पे फोकस। और स्टार्टिंग में लिखे भी थे सर तुम लोगों, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस। हम लोग कुछ चीज मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और कुछ चीज मिनिमाइज करना चाहते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइज एंड लॉस मिनिमाइज। लॉस बोलो या फिर जो कॉस्ट होता है, जो कॉस्ट होता है, या फिर कॉस्ट और कॉस्ट मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जितना सारा चैप्टर पढ़ेंगे ना, सब में यही बात होगा, सब में एक ही टारगेट होगा कि कैसे भी करके हम लोगों का जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट करना है। कोई भी कंपनी वगैरह है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है तो मिनिमाइज करना है। कोई चीज में हम लोग को क्या करना है, कोई चीज में हम लोग को अगर टाइम लग रहा है तो टाइम हम लोग मिनिमाइज करते हैं, लॉस मिनिमाइज करते हैं, कॉस्ट मिनिमाइज करते हैं, और भी है जो मिनिमाइज करते हैं। मैक्सिमाइज प्रॉफिट इनकम, कोई प्रोडक्ट सेल करना है जैसे सेल सर मैक्सिमम हो। पहले तो तुम लोगों दो बात करते हैं, एक दो बात तुम लोगों से पूछ लेते हैं, मतलब जस्ट तुम लोगों को थोड़ा सा बोलना है और कुछ नहीं। मैंने ये दो वर्ड लिखा, एक लिखा मैक्सिमाइज, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा जरूरी है, मैक्सिमाइज, और एक मैंने लिखा मिनिमाइज। मिनिमाइज एक वर्ड लिखा मैंने, मैक्सिमाइज एक वर्ड लिखा मैंने, मिनिमाइज। अच्छा तुम लोगों को बोलना है, मैं कुछ पहले लिख रहा हूँ, मैं कुछ पहले लिख रहा हूँ, प्रॉफिट पहले मैं लिख दिया प्रॉफिट। हम लोग क्या करना चाहते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। क्या क्या चीज तुम मैक्सिमाइज करना चाहते हो, सिर्फ वो सब यहाँ पे लिखना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, कॉस्ट मिनिमाइज करना चाहते हैं, इनकम, जो इनकम वगैरह है सर, इनकम तो सर मैक्सिमाइज करना है सर। अच्छा इनकम होगा ना सर तो लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। इनकम, कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, सेलिंग, वो मैक्सिमाइज होगा। और बोलो तुम लोग बोलो, अब तुम लोग से कुछ पूछते हैं, मैक्सिमाइज का बोलो, अब मैक्सिमाइज बोलो, मिनिमाइज बाद में पूछते हैं, बोलो। अरे बोलो तो गायब हो चुका है। क्या क्या मैक्सिमाइज करना, सर एसिड एसेट, एसेट मैक्सिमाइज करना है, बात सही बोला है। और एसेट, अच्छा बात है सर, बहुत अच्छा बोले, एसेट सर, एसेट रहेगा तो बाद में काम में भी लगेगा। बोलो बोलो बोलो, तुम लोग कहाँ चले गए सब, इसको सोचना पड़ेगा, ये दूसरा सब्जेक्ट है। और क्या मैक्सिमम करना चाहते हो, कुछ मैक्सिमम सर नहीं करना चाहते प्रोडक्ट हो, प्रोडक्शन, वाह बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन सर मैक्सिमम करिए, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या, प्रोडक्शन कॉस्ट फिर मिनिमाइज करते हैं। अच्छा प्रोडक्शन यूनिट बोल सकते हो, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ना वो हम लोग मिनिमम करते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स, कितना प्रोडक्शन यूनिट तुम ये कर रहे हो, ठीक है। तो सिर्फ प्रोडक्शन भी बोलोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं है। और क्या मैक्सिमाइज करना चाहते हो, सभी मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, बोल भी नहीं पा रहे सर। इंस्टाग्राम में एक पोस्ट किया है सर, लाइक कर दीजिए, फ्रेंड को बोले ऐसे लाइक कर दे रहा है वो, शेयर, लाइक करो शेयर करो। और क्या करते हैं, कमेंट करने बोलते हैं, लाइक करो शेयर करो कमेंट करो, और क्या सब्सक्राइब बोलते हैं, सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छा बात बोले सर, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा तो अच्छा होगा, सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अच्छा होगा, सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर, देखते तुम लोगों के दिमाग में। कस्टमर्स मैक्सिमाइज हाँ क्या, करेंगे सर कस्टमर्स मैक्सिमाइज कर हाँ सकते हैं फॉलो ज्यादा ज्यादा कस्टमर हो, फॉलोअर, फॉलोअर, फॉलोअर बढ़ाओ, बोलते हैं ना कि फॉलोअर जितना बढ़ेगा उतना बाद में बेनिफिट होगा, फॉलोअर्स बढ़ा गए, फॉलोअर्स बढ़ाओ, और क्या बढ़ाओगे, सर जॉब को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं सर जॉब को, जॉब मैक्सिमाइज मतलब किस हिसाब से बोलना चाह रहे हो, जॉब तो अभी कम हो रहा है ना हाँ जॉब को मैक्सिमाइज करते हो। एक गवर्नमेंट के पास एक चैलेंज होता है कि कितना जॉब क्रिएट किया जा सकता है, जॉब
और बोलते जाओ बोलते जाओ, डिफरेंट डिफरेंट दिमाग से डिफरेंट डिफरेंट निकलेगा। एज ए स्टूडेंट तुम लोग क्या मैक्सिमम करना चाहते हो? पढ़ाशुना नंबर पढ़ाशुना सर, नंबर है, बहुत अच्छा बात सर, हुआ एलसीपीएस सर। पढ़ाशुना अच्छा हो या ना हो, बट सर नंबर मिल जाए, सर नंबर अच्छा मिल जाए, सर कैसे भी करके नंबर मिल जाए, बहुत अच्छा हो जाएगा सर। पैसा, सर पैसा, पूजा में पापा पैसा ही नहीं देता है, थोड़ा सा पैसा इस बार दे देंगे तो थोड़ा सा घूम फिर लेंगे। और सर, टाइम सर टाइम क्या करना है, टाइम मैक्सिमम करना है, मतलब कौन सा टाइम? सर टाइम तो पढ़ाशुना मिनिमम कर, छाड़ा अन्य किसी मैंने फोन नहीं का डर ए, टाइम जो है वो तो हम लोग मिनिमाइज करते हैं ना कोई कोई चीज में। हाँ वो बात है, कौन सा तो मैं समझ नहीं पाया। कोई भी काम हम लोग जब करते हैं तो अगर तुम ज्यादा टाइम लेते हो तो पापा मम्मी तुमको डांट देता है, क्या काम कर रहे हो, एक ही टाइम से उतना टाइम से ही काम कर रहे हो। तो टाइम जनरली हम लोग मिनिमाइज करते हैं ना कि हम सर, लोग एंटरटेनमेंट इज सर टाइम वो सर। एंटरटेनमेंट का टाइम। हाँ वो भाई अच्छा बात है, तो घर में सर एंटरटेनमेंट का टाइम ही नहीं देता है, तो एंटरटेनमेंट का टाइम बोल सकते हो। बट अगर टाइम को अगर देखने जाओगे ना, टाइम को अगर तुम देखने जाओगे तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम को मिनिमाइज करते हैं ना जनरली, टाइम को मिनिमाइज करते हैं। तुम अगर देखने जाओगे मेनली टाइम को मिनिमाइज करते हैं। बट ठीक है, अगर तुम, मैं यहाँ पे अगर एंटरटेनमेंट मेंशन कर दूँ, एंटरटेनमेंट अगर हम लोग मेंशन कर देंगे, एंटरटेनमेंट टाइम, तब तो ठीक है सर। एंटरटेनमेंट टाइम सर ज्यादा मिल जाए अच्छा होगा, ज्यादा मिल जाए एंटरटेनमेंट टाइम। कोई सिंगर आया है, एक गाना गा के चला गया, क्यों दो तीन गाना और गा देता तो अच्छा होता, एंटरटेनमेंट टाइम। और बोलते जाओ, दिमाग से सब खुलते जाएगा, सब चीज बोलते जाओ। सर फैसिलिटीज फैसिलिटी बहुत अच्छा बात है सर, फैसिलिटी मैक्सिमम चाहिए, फीचर्स वगैरह मैक्सिमम चाहिए ना। फोन ले रहे सर, फीचर्स वगैरह दे ही नहीं रहे, फीचर्स मैक्सिमम चाहिए, फीचर्स फीचर्स फैसिलिटीज वगैरह भी हम लोग मैक्सिमम लेते हैं, ठीक है। और क्या बोलो, और कुछ आ रहा है दिमाग में? ठीक है, और कुछ दिमाग में आ रहा है, फैसिलिटी लिख लो सर। आप भी तो कुछ बोलिए, आप भी तो नहीं बोल रहे, मैं कुछ बोल रहा हूँ। फिटनेस बहुत बहुत दिन से शौक होता है बट नहीं होता है, फिटनेस चाहता है ना, सब अच्छा हो जाए सर, हेल्थ का फिटनेस बहुत जरूरी है। इंटेलिजेंस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस चाहता है कि सर इंटेलिजेंस बढ़े, क्या क्या सर नॉलेज लेने से इंटेलिजेंस बढ़ता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी अच्छा चीज़ है, इम्प्रूवमेंट करो। वो इंटेलिजेंस का बात हो गया, इंटेलिजेंस का बात हो गया। और हो सब गया, और क्या है सर, ऑलमोस्ट अभी लिख ही दिया शायद। और एक तो है और अच्छा याद आया, सेटिस्फेक्शन। कोई भी जॉब वगैरह जब करते हो ना तो उसमें अगर सेटिस्फेक्शन नहीं आया ना तो अच्छा नहीं लगता। बोलता है ना कोई, अरे जॉब में अच्छा नहीं लग रहा, फालतू जॉब है, बॉस डांट देता है, कोई काम नहीं है, तो जहाँ पे भी जाता है उस जॉब में डांट देता है, ये जॉब अच्छा नहीं है, ये जॉब तुम मत करना, मैं तो कर ले रहा हूँ, मेरा फैमिली का प्रेशर है, तो ये जॉब अच्छा नहीं है। सेटिस्फेक्शन अगर जॉब में नहीं होगा तो अच्छा नहीं होगा, ईच एंड एवरी सेक्टर में। सेटिस्फेक्शन हम लोग क्या करना चाहते हैं कि नहीं सर ये जॉब बहुत अच्छा जॉब है सर, ये जॉब बहुत अच्छा है, ये जॉब मेरे पास रह जाए अच्छा है, सैलरी भी अच्छा मिल रहा है, काम करने में अच्छा भी लग रहा है, और ये चीज़ मुझे अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन, जैसे मेरा, मैं पढ़ाता हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन लगता है, बहुत अच्छा जॉब है मेरे लिए, ठीक है, सेटिस्फेक्शन। और अब बंद कर देते हैं, बहुत सारा लिख लिए, बिजनेस वगैरह एक्सेट्रा, और भी हो सकता है, मैं यहाँ पर और नहीं ये करना चाह रहा हूँ, और भी हो सकता है। अब चले आओ मिनिमाइज, मिनिमाइज क्या करते हो, कॉस्ट सर टैक्स को लॉस, मिनिमाइज चाहते हैं, टैक्स को मिनिमाइज करते हो, बहुत अच्छा बात बोले, टैक्स को मिनिमाइज जीएसटी करना है, सर लाइबिलिटी टैक्स वो बोल रहे थे, जीएसटी, जीएसटी सर लाइबिलिटी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, और बोलते जाओ। हाँ क्या, क्राइम क्राइम, हाँ गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है क्राइम। सर और रेस्ट अरेस्ट,
रेस्ट मिनिमाइज करना है? समझ नहीं आया, और क्या मिनिमाइज करना है बोलो। सर सिलेबस। सिलेबस, बहुत अच्छा बात बोला सर, सिलेबस से मिनिमम कर दीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। यूनिवर्सिटी सिलेबस बढ़ा दिया है सर। हाँ क्या इन्फ्लेशन? पॉपुलेशन ये नहीं समझ, मुझे तो इन्फ्लेशन समझ आया शायद, तुम क्या बोल रहे हो? सर पॉपुलेशन हाँ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक कंट्री में जितना ज्यादा होगा, इंडिया का तो बहुत प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन भी बहुत जरूरी है। इन्फ्लेशन कम होगा तो अच्छा होगा, ज्यादा इन्फ्लेशन होने से चीजों का जो दाम बढ़ता है ना बहुत स्पीडली बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए सही में। पॉवर्टी क्या 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 सब पॉवर्टी नहीं समझ आ रहा है, क्या बोल रहे हो, फिर सब से बोलो। पॉवर्टी, पॉवर्टी हाँ वो भी एक बच्चा अच्छा बात बोला है सर, पॉवर्टी मिनिमाइज करना है, पॉवर्टी मिनिमाइज करना है, और क्या मिनिमाइज करना है सर, और क्या मिनिमाइज करना है सर, टेंशन मिनिमाइज हो जाए सर। किसका टेंशन सर? सीयू का टेंशन सर, और भी टेंशन है, वो अलग टेंशन है, वो तुम लोग जानते हो। तो इस जो टेंशन है सीयू का टेंशन सर, बहुत भयानक टेंशन दे रहा है सर। अनएम्प्लॉयमेंट मिनिमाइज करना है, अनएम्प्लॉयमेंट अच्छा बात है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन पॉल्यूशन बहुत अच्छा है, पॉल्यूशन मिनिमाइज कर लो, पॉल्यूशन सर। इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत दे रहा है सीएससी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल वो कम हो जाए, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए, और कुछ है सर? मोबाइल बहुत हैंग हो रहा है सर, मोबाइल हैंग होना थोड़ा सा कम हो जाए, जो भी तुम कम कर सकते हो, मोबाइल हैंग प्रॉब्लम। घर में पापा मम्मी डांटता है सर, वो थोड़ा सा कम हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, मतलब जो भी चीज तुमको लग रहा है कि कम होगा तो अच्छा होगा, टाइम पढ़ाई का टाइम अगर घर में बोले के कम थोड़ा सा कर सकते तो अच्छा होगा। ए मैक्सिमाइज में नींद, बहुत जन को सोने में बहुत अच्छा लगता है तो वो अच्छा हो सकता है, घूमना अच्छा लग सकता है तो मैक्सिमाइज करेगा वो, मिनिमाइज काम करना अच्छा नहीं लगता है, बैठ के मोबाइल में गेम खेलना अच्छा लगता है तो मैक्सिमाइज करो, मिनिमाइज बहुत सा टाइम तुम ये कर सकते हो। और भी कुछ है, और एक तो मुझे अच्छा याद आ रहा है, वेस्टेज, वेस्टेज, हम लोग कोई भी सामान जब लाते हैं तो दिमाग में एक ही चलता है कि वेस्ट ना हो जाए, ऐसे थोड़ी है कि एप्पल जो है वो सस्ता मिला है, अच्छा मानो कि ऐसा कुछ दिन आया जो एप्पल 10 रुपया केजी मिल रहा है, अब तुमने क्या किया, 10 रुपया केजी एप्पल मिल रहा है ना, तो तुमने क्या किया, 50 केजी एप्पल ले लिया, अब क्या करोगे 50 केजी एप्पल का, 50 केजी एप्पल का क्या करोगे, तो वेस्टेज हो जाएगा ना। सब्जी सस्ता मिल रहा है, कोई फ्री में दे रहा है कोई, तो उसका मतलब सस्ते में लोगे कोई दिक्कत नहीं, एक दो दिन बाद तो सर भी जाएगा, वेस्टेज हम लोग मिनिमम करते हैं। ट्रैवल एक्सपेंशन बहुत अच्छा है, ट्रैवल एक्सपेंशन, हाँ ट्रैवल एक्सपेंशन, ट्रैवल एक्सपेंशन मिनिमम करना पड़ता है सर, ट्रैवल एक्सपेंशन। और कुछ आ रहा है दिमाग में? डिफरेंट डिफरेंट दिमाग में डिफरेंट डिफरेंट कुछ कैसा आता है? अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, और है क्या, इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट मिनिमाइज करना है, बैंक का इंटरेस्ट रेट, बैंक का इंटरेस्ट रेट मिनिमाइज करना है। बट अगर फिक्स डिपॉजिट करोगे, अगर फिक्स डिपॉजिट करोगे तो उसके लिए क्या चाहिए, फिक्स डिपॉजिट करोगे तो उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होना चाहिए सर। बैंक में सर पैसा एक ही है, फिक्स डिपॉजिट किया है सर, इंटरेस्ट बहुत कम दे रहा है, अगर इंटरेस्ट ज्यादा देगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट तुमने किया, उसका जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट, और बोलो
और यहाँ पे मिनिमाइज का बात क्या बोले, मिनिमाइज का बात इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट। और क्या, और कुछ याद आ रहा है? डेथ रेट, डेथ रेट मिनिमाइज करना है सर। ठीक है, और क्या मैक्सिमाइज करना चाहते हो? सिक्योरिटी अभी बहुत कॉन्सर्न है, और सिक्योरिटी का बात अगर होगा तो पहले बात किसका आएगा? वोमेन सिक्योरिटी, वोमेन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी से भी मैंने लिखा, मैंने वोमेन सिक्योरिटी लिखा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है अभी के लिए। रेस्पेक्ट, वोमेन रेस्पेक्ट। फ्रीडम, फ्रीडम। वोमेन फ्रीडम, या फिर फ्रीडम लिखो, सबका फ्रीडम चाहिए। सिक्योरिटी बहुत एक कंसर्न है। राइट्स, ये सब चीज़ देखो, बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने बोल दिया। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, डेफिनेशन में आ जाते हैं। अच्छा, एलपी, एलपी के डेफिनेशन में। इससे क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा ये होगा कि क्या क्या चीज़ हम लोग मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और क्या क्या चीज़ मिनिमाइज करना चाहते हैं। डेफिनेशन ऑफ एलपी, क्या लिख रहे हो? डेफिनेशन ऑफ एलपी, एलपी या एलपीपी? एलपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपी का मतलब क्या होता है? लीनियर प्रोग्रामिंग। और अगर एलपीपी कर दोगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। डेफिनेशन ऑफ एलपी, डेफिनेशन ऑफ एलपी, लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग ब्रैकेट में एलपी इज ए मैथमेटिकल मॉडलिंग, इज ए मैथमेटिकल मॉडलिंग टेक्निक। मैथमेटिकल मॉडलिंग टेक्निक यूजफुल फॉर एलोकेशन ऑफ स्कार्स और लिमिटेड, स्कार्स और लिमिटेड रिसोर्सेस। बहुत सारा रिसोर्सेस क्या होता है? लिमिटेड होता है तुम्हारे पास। वो अनलिमिटेड थोड़ी होगा। लेबर, लेबर तुम कोई काम कराना चाहते हो, लेबर, लेबर, लेबर अनलिमिटेड कैसे लगा दोगे तुम? एक एक लेबर का पर डे कॉस्ट चलता है। तो तुम अगर कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनाते हो, कोई भी अपना घर बनाना है, घर का कुछ काम वगैरह करना है, तो लेबर तो लिमिटेड होगा। कोई कंपनी है, उसको लेबर रखना पड़ता है, तो लेबर, नंबर ऑफ लेबर, वो चाहेगा क्या कि जितना कम लेबर यूज हो, क्योंकि लेबर को तो उसका कॉस्टिंग है, उसका सैलरी वगैरह है। तो स्कर्स और लिमिटेड सच एज लेबर, सच एज लेबर मटेरियल, जो मटेरियल, जो जो भी चीज तुम यूज करते हो, वो मटेरियल तो एक लिमिटेड रहेगा। कोई भी सामान तुम बना रहे हो, उसके लिए तुम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यूज करते हो, तो मटेरियल तो लिमिटेड होगा। मशीन, मशीन भी लिमिटेड होगा। कोई फैक्ट्री वगैरह है तो वहां पे मशीन का तो एक लिमिटेशन होता है कि कोई एक एक मशीन का कॉस्टिंग वगैरह होता है, एक एक मशीन का कॉस्टिंग वगैरह होगा, तो मशीन का लिमिटेशन होता है।
टाइम, टाइम का लिमिटेशन होता है। टाइम तो तुम अपने हिसाब से, कि तुम्हारे पास एक टाइम बंधा हुआ है कि इतने टाइम में वो काम कंप्लीट करना है, एक टाइम। वेयर हाउस, वेयर हाउस मतलब, जहाँ पे जो प्रोडक्ट तुम बनाते हो स्टोर करते हो, स्टोर। वायर हाउस, स्पेस, क्योंकि कोई भी सामान जब रखोगे उसके लिए जो वायर हाउस होता है उसका स्पेस तो लिमिटेड है, उसका स्पेस अनलिमिटेड थोड़ी है, उसका स्पेस लिमिटेड है। टू सेवरल, टू सेवरल कॉपी, टिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्ट, सच एज प्रोडक्ट, सच एज प्रोडक्ट, सर्विस, जॉब, न्यू इक्विपमेंट, न्यू इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ गिवेन, ऑन द बेसिस ऑफ गिवेन क्राइटेरिया, गिवेन क्राइटेरिया ऑप्टिमलिटी, ऑप्टिमलिटी। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन ऑफ एलपी। लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल टेक्निक फॉलो करते हैं, जहाँ पे हम लोग का जो रिसोर्स वगैरह होता है ना, वो रिसोर्स वगैरह जो होता है वो लिमिटेड होता है, तो उसको ध्यान में रख के, लेबर मटेरियल ये सब जो चीज़ है उसको ध्यान में रख के, तो कौन सा जगह में ये सब होता है, कोई कोई जॉब है उसमें लेबर यूज होता है, कोई प्रोडक्शन है उसमें मटेरियल यूज होता है, मशीन यूज होता है, कोई सर्विस है वहाँ पे टाइम वगैरह का बात होता है, कोई प्रोडक्ट है उसको स्टोर वगैरह करना पड़ता है तो वहाँ पे वायरस वगैरह होता है। तो ये सब चीज़ में हम लोग का क्या है कि हम लोग किस हिसाब से काम करें ताकि हम लोग का बेस्ट आउटकम आ पाए, वही बात है। नाइनटीन थर्टी नाइन में एक फर्स्ट ये हुआ था, मैथमेटिशियन कैंटोरविच, एलपी के ऊपर काम किया था पहले, मैथमेटिशियन कैंटोर बीच। इसका जो बुक पब्लिश किया था, आर्ट ऑफ मेकिंग डिसीजन, डिसीजन कैसे बनाते हैं उसका आर्ट। बट हालांकि ये तो एलपीपी का फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया था, बट सबसे एलपीपी में सबसे पॉपुलर मेथड, और हम लोग के एग्जाम में अप्रोक्स मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस करके आएगा, सिंप्लेक्स मेथड। ये मेथड सबसे पॉपुलर मेथड है, एलपीपी का सबसे पॉपुलर मेथड, क्योंकि ये मेथड डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में यूज होता है, एलपीपी का डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में ये मेथड यूज होगा, 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से जनरली आता है एग्जाम में। 1949 में जॉर्ज बी डांजिक, जॉर्ज बी डांजिक, जॉर्ज बी डांजिक, ठीक है। एक तो एग्जाम्पल देना है, एक तो एग्जाम्पल वगैरह देना है उससे पहले। हाँ, उससे पहले एक बार काम करते, तो उससे पहले एक तो काम करते हैं। देखो, तो जो भी इंडस्ट्री वगैरह चलता है, हम लोग का इंडस्ट्री वगैरह चलता है, उसमें कैसे बिजनेस वगैरह जो होता है ना, उसमें क्या क्या पैरामीटर इन्वॉल्व होता है, क्या क्या पैरामीटर इन्वॉल्व होता है, क्या क्या पैरामीटर इन्वॉल्व होता है। अगर मैं इंडस्ट्रियल पर्पस में बोलने जाऊं, इंडस्ट्रियल पर्पस में बोलने जाऊं, जैसे सपोज मैंने क्या किया, सैमसंग कंपनी ले लिया, सैमसंग मोबाइल जो बनाता है, सिर्फ मोबाइल वाला काम लिया मैंने। अब देखो, तो ये जो कंपनी है, कोई कंपनी एक चीज में इन्वॉल्व होगा ऐसा कोई बात नहीं है, दो चीज में इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि जो सैमसंग कंपनी है ये जब सेल, कोई भी प्रोडक्ट जब सेल करने जाता है तो इसका कोशिश यही होगा कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो, ज्यादा ज्यादा कस्टमर हम लोग का प्रोडक्ट ले, तो मैक्सिमाइज ये लोग कब करना चाहेगा,
मैक्सिमाइज ये लोग करना चाहेगा प्रॉफिट के लिए, और यही कंपनी मिनिमाइज कब करना चाहेगा, जब वो अपना फोन बना रहा है, तो फोन बनाने के लिए डिस्प्ले का कॉस्टिंग जाता है, हालांकि सैमसंग का फोन का डिस्प्ले वो खुद ही बनाता है, प्रोसेसर वगैरह, कैमरा वगैरह का जो लेंस है सोनी से उसको लेना पड़ता है, तो उसका जो कॉस्टिंग वगैरह जाएगा वो कॉस्टिंग वगैरह को उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, कॉस्ट कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहेगा कि कॉस्ट सर मिनिमाइज हो जाए, कॉस्ट मिनिमम हो जाए। तो देखो एक एक जस्ट मैं एक तो ये कर रहा हूँ कि एक तो कंपनी है सैमसंग मोबाइल कंपनी, फर्स्ट काम क्या करता है जानते हो, अगर इसको फोन बनाना है तो फर्स्ट काम क्या करेगा, रॉ मटेरियल सप्लाई, मतलब जो फोन बनाने के लिए जो जो काम उसको करना पड़ेगा कि उसके लिए बॉडी के लिए एक मटेरियल का यूज करना पड़ेगा, जो भी बॉडी यूज करेगा मेटालिक बॉडी या फिर जो भी बॉडी यूज करेगा, तो रॉ मटेरियल, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, रॉ मटेरियल लाओ उसी के बाद तो प्रोडक्ट बनेगा, रॉ मटेरियल सप्लाई फर्स्ट काम क्या है, रॉ मटेरियल सप्लाई कहाँ से होगा, रॉ मटेरियल सप्लाई, उसके बाद वो जो रॉ मटेरियल मिल गया उसके बाद वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, वो प्रोडक्ट को बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, प्रोडक्ट को बनाएगा मैन्युफैक्चर करेगा, नेक्स्ट काम क्या करेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन शिप, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन शिप है मैन्युफैक्चर करने के बाद क्या करेगा, प्रोडक्ट बन चुका है, अब क्या, प्रोडक्ट बनने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मैटर होता है डिस्ट्रीब्यूशन चेन, डिस्ट्रीब्यूशन चेन जिसका अच्छा होगा वो क्या होगा, उतना अच्छे से बिजनेस कर पाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन चेन जितना अच्छा होगा उतना अच्छे से बिस्किट डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएगा, जैसे ब्रिटानिया का बिस्किट तुम कहीं पे भी चले जाओ, गांव गांव पे चले जाओ, ऐसा कोई दुकान नहीं मिलेगा जहां पे ब्रिटानिया का बिस्किट नहीं मिलता है, मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेन बहुत अच्छा है, 100 साल के ऊपर हो चुका है उसका इस मार्केट में, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन तुमको मिल गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा करना है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग ये ऐसा स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, उसके बाद होलसेलर को टारगेट करो, जो होलसेलर है उसके बाद से क्या करना है, उसके बाद होलसेलर क्या करता है, रिटेलर के पास जाएगा, दुकानदार जो नॉर्मल दुकानदार है रिटेलर के पास जाएगा, अब किसके पास जाएगा ये प्रोडक्ट, रिटेलर के पास चला गया प्रोडक्ट, अब सर कस्टमर मतलब एंड यूजर हम लोग, एंड यूजर माने हम लोग, एंड यूजर माने हम लोग कस्टमर, एंड यूजर कस्टमर, अच्छा जो क्या है कस्टमर, इतना सारा चीज मेंटेन होता है, अच्छा इतना सारा चीज मेंटेन होता है, इतना सारा चीज देखना पड़ता है, उसके बाद काम हो पाता है, ठीक है, उसके बाद काम हो पाता है, ठीक है। एक तो छोटा सा मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ एलपीपी को समझाने के लिए, एलपीपी का स्ट्रक्चर समझाने के लिए मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम ले रहा हूँ, वो प्रॉब्लम से तुमको मालूम चलेगा कि एलपीपी का फॉर्मेट क्या होता है, लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का फॉर्मेट क्या होता है, ये प्रॉब्लम से तुमको मालूम चलेगा। एक तो एग्जाम्पल लो, एक तो एग्जाम्पल लो, एलपीपी का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, एलपीपी देखने में कैसा होता है, एलपीपी का फॉर्मेट कैसा होता है, एक तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, छोटा सा एग्जाम्पल देंगे ताकि समझने में आसानी हो, स्ट्रक्चर समझने में आसानी हो, छोटा सा एग्जाम्पल देंगे ताकि स्ट्रक्चर समझने में आसानी हो, देखो कुछ बात मैं लिख रहा हूं नंबर वन नंबर टू करके, मानो कि तुम जहां पे रहते हो बगल में एक छोटा दुकानदार है, स्मॉल मैन्युफैक्चरर है, एक छोटा सा मैन्युफैक्चरर है, कुछ सामान वगैरह बनाता है, सपोज मानो कि वो कारपेंटर है, टेबल चेयर बनाता है, सपोज मानो कि वो कारपेंटर है, वो टेबल चेयर बनाता है, दो प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ, हालांकि टेबल चेयर बनाएगा सिर्फ ऐसा नहीं है, और भी प्रोडक्ट बना सकता है, बट मैं दो प्रोडक्ट इसलिए ले रहा हूँ ताकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम होगा ना तो मुझे समझाने में आसानी होगा, तुम भी समझ अच्छे से समझोगे। तो एक मैन्युफैक्चरर है, एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास वो दो प्रोडक्ट बनाता है, कंसीडर
स्मॉल मैन्युफैक्चरर कंसिडर ए स्मॉल मैन्युफैक्चरर ये क्या लिखा मैंने, ठीक है मैन्युफैक्चरर, हाँ मेक टू प्रोडक्ट, अच्छा दो प्रोडक्ट बना रहा है, कंसीडर ए स्मॉल मैन्युफैक्चरर मेक टू प्रोडक्ट ए एंड बी, एक मैन्युफैक्चरर है वो दो प्रोडक्ट बनाता है, एक मैन्युफैक्चरर है ना वो दो प्रोडक्ट बनाता है, मतलब मानो कि तुम्हारे ये थोड़ा सा रियल लाइफ के साथ सोचना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट ही ऐसा है, एक बार बार बोल रहा हूँ ये सब्जेक्ट अलग सब्जेक्ट है, ऐसे ही जैसे बोल रहा हूँ ऐसे ही सोचना पड़ेगा तब जाके ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो पाएगा, रियल में अलग टेक्निक से हम लोग पढ़ेंगे, वो अलग टेक्निक है वो सब्जेक्ट का। मैंने बोला एक स्मॉल मैन्युफैक्चरर है, तुम जहाँ पे रहते हो उसके बगल में मानो कि एक छोटा मोटा दुकानदार है वो स्मॉल मैन्युफैक्चरर है, और मानो के तुमको वो बहुत मतलब तुम मानो के ग्रेजुएशन वगैरह किए हो, मैथमेटिक्स वगैरह पढ़े हो, तो जनरली जानते हो जो लोग मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ता है उसके ऊपर जनरली बहुत जन रिस्पेक्ट वगैरह करता है, वो स्मॉल मैन्युफैक्चरर जो है वो जानता है कि ये तो बहुत एडुकेटेड पर्सन है, मैथ पढ़ा है, तो आप वो शायद किसी से सुना है कि जो एलपीपी है, जो एलपीपी वगैरह है वो एलपीपी में क्या होता है कि मुझे क्या करना पड़ता है, एलपीपी में बिजनेस जो है बिजनेस को कैसे, एलपीपी में जो कोई मैन्युफैक्चरर है वो किस हिसाब से काम कर पाए कि उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो और सेल करने के टाइम प्रॉफिट ज्यादा हो, तो उसको कोई एक दिन बोला है कि ये जो सब्जेक्ट है ये मैथमेटिक्स वाला एक बंदा पढ़ता है, इस पेपर को मैथमेटिक्स का स्टूडेंट पढ़ता है, तो वो उसको अब मालूम चल गया कि तुम तो मैथमेटिक्स पढ़े हो, अब तुमको वो बात बोलना आया है, अब तुमसे वो बात बोला कि ठीक है तुम एक दिन मेरे से मिलो तुमसे बात करना है, तो तुमको ये स्टोरी बोला, ये कुछ नहीं जानते पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं जानते, ये सिर्फ बिजनेस करता है, छोटा मोटा दुकानदार है बिजनेस करता है, तुमको बोला कि देखो मेरे पास मैं दो प्रोडक्ट बनाता हूँ, एक प्रोडक्ट ए बनाता हूँ प्रोडक्ट बी, मैंने नाम दिया, सपोज एक काम करता है प्रोडक्ट ए का मैं नाम देता हूँ, प्रोडक्ट ए का मैंने नाम दिया, सपोज मैंने प्रोडक्ट ए का नाम दिया टेबल, सपोज मैंने प्रोडक्ट बी का नाम दिया चेयर, प्रोडक्ट ए का नाम दिया टेबल और प्रोडक्ट बी का क्या नाम दिया चेयर, ए टेबल बना रहा है बी चेयर बना रहा है, ए टेबल बना रहा है बी चेयर बना रहा है, ऐसे सपोज मैंने समझाने के लिए एक नाम दिया, अब ये जो टेबल चेयर बनाता है ना तो उसके लिए कुछ मटेरियल हो चाहिए, पूरा बात पूरा स्टोरी तुमको बोलेगा, स्टोरी बोलने के बाद बोलेगा कि मुझे इसका कोई सॉल्यूशन निकाल दीजिए, सॉल्यूशन मतलब मैं किस हिसाब से कितना टेबल बनाऊं कितना चेयर बनाऊं ताकि मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो, अच्छा उस वही इसका टारगेट है, अब उससे पहले तो पूरा स्टोरी उसका सुनना पड़ेगा, क्या क्या प्रॉब्लम है उसका, क्या क्या कौन सा सामान बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज कर रहा है, कौन सा मटेरियल यूज कर रहा है, अगर टेबल चेयर बनाएगा तो वो तो लकड़ी का यूज करेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लकड़ी आता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लकड़ी आता है, जैसे एक साल ट्री आता है ना, साल ट्री एक आता है तुम्हारा, मेहोगनी ट्री होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो लकड़ी है उसका प्राइस भी डिफरेंट डिफरेंट रहता है, तो सपोज ए आर बी वो टेबल चेयर बनाना चाह रहा है, टेबल चेयर ए आर बी बनाना चाह रहा है, दूसरा बात क्या बोल रहा है के दो चीज बनाने के लिए ए आर बी बनाने के लिए मुझे दो रिसोर्स चाहिए, टू रिसोर्सेस, टू रिसोर्सेस आर वन एंड आर टू आर रिक्वायर्ड टू मेक ए एंड बी, ठीक है ए आर बी बनाने में दो ठो रिसोर्स चाहिए, टू रिसोर्सेस आर वन आर टू बनाने में, सॉरी आर वन आर टू चाहिए ए आर बी बनाने में, माने ए आर बी प्रोडक्ट अगर तुमको बनाना है चेयर टेबल, सपोज मैंने समझाने के लिए बोला चेयर टेबल उसके लिए आर वन आर टू चाहिए, तो सपोज मानो कि आर वन रिसोर्स को मैंने नाम दिया, मैंने सपोज नाम दिया कि जो आर वन रिसोर्स है ये मारो कि मेरा क्या है साल्ट ट्री, और जो आर टू है मैंने माना कि ये क्या है मेरा मेहगोनी ट्री, मेहगोनी ये सब जो वुड है लकड़ी है ये सब टाइप है ए आर बी, इतना सारा बात बोला, अब तुमने पूछा कि ठीक है ए आर बी दो प्रोडक्ट बना रहे हैं दो ठो रिसोर्स चाहिए, अब कौन
कौन सा प्रोडक्ट बनाने में कितना कितना रिसोर्स चाहिए, मतलब उसका तो मेजरमेंट होता है ना। जैसे लकड़ी को हम लोग मापते हैं, लकड़ी को हम लोग किससे मापते हैं, इसका यूनिट क्यूबिक यूनिट ना, क्यूबिक यूनिट में मापते हैं। अच्छा, इसको क्या मापा जाता है, क्यूबिक यूनिट में, क्यूबिक यूनिट में इसको मापा जाता है। ये डिफरेंट डिफरेंट का डिफरेंट डिफरेंट साइज वगैरह आता है क्यूब यूनिट में, ठीक है, सॉरी क्यूब यूनिट, क्यूब क्यूबिक फीट। अगर तुम अगर कहीं पे अगर ये सब अगर मानो के तुमको घर का कुछ काम वगैरह करना है और ये सब तुमको सामान वगैरह लेना है, तो देखना क्यूबिक फीट से मापा जाता है, क्यूबिक फीट से मापा जाता है। जैसे आप अप्रोक्स अगर मैं साल्ट ट्री का बात करूँ, साल्ट ट्री का अगर बात करूँ, तो ये जो साल्ट ट्री है, ये जो साल्ट ट्री है, इसका पार क्यूबिक अगर तुम फीट लेने जाओगे तो अप्रोक्स शायद 3000 रुपया पड़ता है पार क्यूबिक फीट। पार क्यूबिक फीट, पार क्यूबिक फीट मतलब हाइट लेंथ और विड्थ सब अगर एक क्यूब एक फीट करके होगा तो वो क्यूबिक फीट हो गया। मेगुनी सस्ता पड़ता है, उसका आधा पड़ता है 1500 क्यूबिक फुट, ये सब पड़ता है। तो अगर टेबल चेयर बनाना है तो सपोज मानो कि दो वुड का यूज कर रहा है, साल्ट ट्री और मेहोगनी ट्री, ठीक है, और बाकी कुछ मैंने नहीं बोला कि ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा चीज लेंगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो अब देखो सबका तो एक लिमिटेशन है, अब टेबल बनाएगा कितना, चेयर बनाएगा कितना, अब अपने हिसाब से तो अनलिमिटेड टेबल चेयर नहीं बना पाएगा, क्योंकि टेबल के लिए क्या बोल रहा है कि R1 R2 रिक्वायर हो रहा है। अब कितना R1 लगेगा कितना R2 लगेगा वो देख लेते हैं। बोल रहा है कि नंबर 3 क्या बोल रहा है कि ईच यूनिट ऑफ ए, ए का हर एक यूनिट अगर तुमको बनाना है, ए ए का हर एक यूनिट बनाने के लिए बोल रहा है कि 1 यूनिट R1, 1 यूनिट ऑफ R1 और 3 यूनिट ऑफ R2 चाहिए। माने R1 माने फास्ट फूड, फास्ट फूड मतलब सपोज मैंने मैं इसको इसको फास्ट फूड बोला, फास्ट फूड, और ये मानो के सेकेंड वुड, मतलब ये वाला साल्ट ट्री था सिर्फ समझाने के लिए मैंने बोला, और ये वाला जो मेहगुनी ट्री था, मतलब एक तो अगर टेबल बनाने जाएगा तो 1 क्यूबिक फीट मानो के साल्ट ट्री लगेगा, मतलब 3000 वहां पे गया, और तीन यूनिट मेगुनी लगा। 3 यूनिट में सब समझाने के लिए मैंने बोला, डिफरेंट डिफरेंट चीज में यूनिट का मतलब डिफरेंट डिफरेंट होगा। यहाँ पे हम लोग वुड का मेजरमेंट कर रहे हैं तो इसके लिए क्यूबिक फीट का मेजरमेंट हो रहा है, तो मानो के 3 यूनिट माने 3 क्यूबिक फीट अगर मेगुनी लगेगा तो एक टेबल बनाने में कितना खर्चा जा रहा है, बोलो तो, एक टेबल बनाने में कितना खर्चा जाएगा। एक ठो टेबल बनाने में, एक ठो टेबल बनाने में क्या मैंने बोला, एक ठो टेबल बनाने में 1 यूनिट R1 लग रहा है, मानो कि मैंने साल्ट ट्री बोला सर जो 7500 7500, क्योंकि 1 यूनिट के लिए 3000, और पार यूनिट अगर मेहोगनी का बात है 1500 अगर है तो यहाँ पे 4500, तो क्या हो गया सर 7500 पर टेबल, एक एक टेबल में 7500 का खर्चा पड़ रहा है टेबल बनाने में, एक टेबल बनाने में 7500 का खर्चा जा रहा है। देखो नंबर 4, तो नंबर 4 नहीं उसी के साथ, ये तो टेबल का मैंने कॉस्टिंग बोला समझाने के लिए, ये जस्ट समझाने के लिए बोल रहे, ये एग्जांपल जस्ट समझाने के लिए बोल रहे। अच्छा कोई इसको ज्यादा ये मत लो सीरियसली, कॉस्ट के बारे में ऐसा कोई नहीं है, जस्ट मैंने यहाँ पे समझाने के लिए बोला। ईच यूनिट टॉपिक को समझो, बट ये बात अलग है। देखो ईच यूनिट ऑफ बी, बी के लिए क्या बात है, ईच यूनिट ऑफ बी में बात है कि वन यूनिट R1 और 2 यूनिट R2, 1 यूनिट R1 और 2 यूनिट के R2,
ईच यूनिट ऑफ ए यूज वन यूनिट ऑफ आर वन, तो बोलो तो वन यूनिट आर वन माने यहाँ पे जो साल्ट ट्री है, फर्स्ट टाइप वुड है साल्ट ट्री, और यहाँ पे क्या था मेगुनी वाला, सपोज मानो कि मेगुनी, बोलोगे कितना खर्चा पड़ेगा तब, अगर तो यूनिट छह कुछ क्यूबिक हजार 6,000 पड़ रहा है, एक 3,000 यहाँ पे लग रहा था, मैंने अगर क्यूबिक फीट में ले तो 3,000 वहां पे लग रहा है, अब मैंने यहाँ पे टेबल चेयर का बात किया तो क्यूबिक फीट लिया, दूसरा कुछ कैलकुलेशन होगा तो अलग बात होगा, 3,000 प्लस 1,500 इंटू 2 मतलब 3,000 मतलब 6,000, चेयर बनाने में 6,000 लगा, बहुत अच्छा चेयर है इसका मतलब। देखो अब नंबर फोर्थ बात क्या है, नंबर फोर्थ बात क्या है, नंबर फोर, अब देखो ये जो साल्ट ट्री है, ये जो मेहगुनी, ये सब जो लकड़ी है, ये तो एक लिमिटेड रहेगा क्योंकि उसको तो खरीदना पड़ता है, जो दुकानदार है जो मैन्युफैक्चरर है वो तो खरीदना पड़ता है। अच्छा तुमको बोला कि देखो मेरा तो ज्यादा पूंजी नहीं है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मैं इतना मेरे पास है, मेरे पास, वो बोल रहा है कि मेरे पास साल्ट ट्री है 5 यूनिट्स, मैंने 5 क्यूबिक फीट है, सपोज 5 यूनिट मतलब मैंने क्यूबिक फीट लिया, मैन्युफैक्चरर तुमको बोला कि मेरे पास, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर क्या बोला तुमको, ये मेरे पास मैन्युफैक्चरर हैज 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स ऑफ R1 एंड 12 यूनिट्स ऑफ R2। मैन्युफैक्चरर के पास ना R1 5 यूनिट है और R2 12 यूनिट है, मतलब 5 क्यूबिक फीट साल्ट्री है और 12 क्यूबिक फीट मेगुनिट्री है, सपोज बोलो तो मैन्युफैक्चर ने कितना इन्वेस्ट किया है अभी के लिए, मैन्युफैक्चर ने कितना इन्वेस्ट किया अभी के लिए, 23,000 ट्वेंटी 23, बोलो बोलो बोलो, कोई सही से बोलो, कैलकुलेशन करके बोलो। अरे मैन्युफैक्चर तुमको ही बोला है, तुमको ही वो डिसीजन देना है, ऐसा नहीं है कि उसका तुम्हें बिजनेस में घाटा कर दिया, तुमको विश्वास करके बात सब बोला है तुमको, बोलो कितना खर्चा पड़ेगा, तो कितना उसका पूंजी इन्वेस्ट होगा, 5 यूनिट माने क्या, हाँ एकदम सही बोला है, 33,000 33, तो हाँ 33,000 माने 33K, सही बोला है 33K, 5 × 3,000 1,500, सॉरी 15,000, आर 8 × 1,500, यहाँ पे क्या हो रहा है 8 × 1,500 सॉरी 12 × 1,500 माने यहाँ पे 18,000, 33,000 माने 30K, 33K इतना उसका, इतना उसका क्या है, ये दिया है, इतना ये इसका इन्वेस्टमेंट है, इतना इन्वेस्टमेंट है, अच्छा इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना उसका इन्वेस्टमेंट है मैन्युफैक्चर का, अब ठीक है इतना सारा बात बोल दिया, इतना सारा बात वो बोल दिया, उसके बाद तुम तो उसको बोला कि प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट का बात, इतना सारा बात तो ठीक है बट अल्टीमेटली तो प्रॉफिट ही करना है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, एक टेबल बेच के और एक चेयर बेच के कितना प्रॉफिट हो रहा है, अब मैन्युफैक्चरर बोल रहा है कि पूरा स्टडी मैं स्टेप स्टेप लिख रहा हूँ, द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर क्या बोला कि वो प्रॉफिट कर रहा है, ऑल्सो मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट तो करेगा, प्रॉफिट कर रहा है ऑफ रुपीज सिक्स पर यूनिट सेल ऑफ ए। मैंने तुम लोगों को पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पे मैं ज्यादा बड़ा डिजिट नहीं लेना चाह रहा हूँ, एक टेबल बनाने में 7,500 का खर्चा पड़ा था, अरे यहाँ पे 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है तो अभी मैं जस्ट कैलकुलेशन को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो 6,000 प्रॉफिट तो मतलब 6 रुपये का प्रॉफिट के लिए कोई इतना मेहनत करेगा भी नहीं, तो ये जस्ट मैंने एजे, तो यहाँ पे क्या लिखे, कोई बड़ा वैल्यू लिख दे क्या,
একটু বড় ভ্যালু লিখ দিতে। সবটা পাশে না লিখে দিন হ্যাঁ স্যার, দুটো পাশে শূন্য, আর দুটো শূন্য এক্সট্রা দিয়ে দিন। ঠিক আছে পাশে তাহলে দুটো শূন্য দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা পাশে দুটো শূন্য দিয়ে দিচ্ছি। আর ওর কে হ্যায় রুপিস 500 পার ইউনিট সেল অফ বি হোগা, ঠিক হ্যায় ইতনা সারা চিজ তুমি বোলা গে। আব তুমি ক্যা পুছ রা হ্যায় কে চেয়ার কিতনা বনায়, টেবিল কিতনা বনায়, চেয়ার কিতনা বনায়, টেবিল কিতনা বনায়। তো আব তো তো আব তো তুমি বোলনা হ্যায় কে চেয়ার টেবিল কিতনা বনায়েঙ্গে, ও তো ম্যাথমেটিক্স, তুম ম্যাথমেটিক্স জানতো ইসলিয়ে তুমি বোলা, ঠিক হ্যায় আব তুম আগর সাবজেক্ট নেই পড়ে হো তো তুমি ক্যা বোলোগে, এ মুঝে নেই মালুম, আপকো জো বানানা হ্যায় বানাইয়ে, হাম লোগ ম্যায় অভি যাতা হুঁ আপনে কাম কে লিয়ে। তো সিম্পল সা বাত হ্যায় ইস সাবজেক্ট কো ইউজ করকে তুমি ওই কাম করনা হ্যায়। পহলা কাম ক্যা হ্যায় এলপিপি কো মুঝে ফর্মুলেশন করনা পড়েগা। এ যো পুরা বাত হ্যায় না এ তো বাত স্টোরি মে বোলা হ্যায়, মুঝে ম্যাথমেটিক্যাল স্ট্রাকচার দেনা হ্যায় ইসকো, দ্যাট মিন্স এলপিপি ফর্মুলেশন। তো ম্যায় পহলে ক্যা মান লেতা হুঁ, এক কাম করতা হুঁ, ম্যায় পহলে ইসকো এক টেবিল মে লে লেতা হুঁ, আগে সমঝনে মে আসানি হো। তো জো জো বাত বোলা হ্যায়, আচ্ছা জেসে পেশেন্ট বোল দেতা না কি মেরা এ প্রবলেম হ্যায়, ডক্টর প্রেসক্রিপশন লিখনে লাগ গিয়া, আব তুম ভি আপনা প্রেসক্রিপশন বানা রে, তোর এ R1 হ্যায়, এ R2 হ্যায়, R1 হ্যায়, R2 হ্যায়, এ মানো এ হ্যায়, এ মানো বি হ্যায়। দেখো তো এ যো হ্যায় এ প্রোডাক্ট, এ প্রোডাক্ট থা আর আর R1 রিসোর্স থা, এ প্রোডাক্ট এক টু বানানে মে কিতনা R1 লাগেগা স্যার, এক টু লাগেগা, এক টু R1 লাগেগা, R2 কিতনা লাগেগা, 3 টু লাগেগা, বি প্রোডাক্ট এক টু বানানে মে কিতনা লাগেগা, এক টু, R2 কিতনা লাগেগা, 2 টু, প্রফিট কিতনা হো রা হ্যায়, এক ইউনিট এ সেল করনে মে প্রফিট হো রা হ্যায় স্যার 600, ইসমে কিতনা প্রফিট হো রা হ্যায় সব সাইড মে লিখ লে রা হ্যায়। R1 কিতনা অ্যাভেলেবল হ্যায়, অ্যাভেলেবল কো নিচে মে লিখ রে হো, অ্যাভেলেবল কিতনা হ্যায় স্যার 5 ইউনিট, R2 কিতনা অ্যাভেলেবল হ্যায় 12, ইস সাইড মে অ্যাভেলেবিলিটি লিখা হ্যায় আর ইস সাইড মে প্রফিট লিখা হ্যায়, ইস সাইড মে প্রফিট লিখা হ্যায়। উস সাইড, উস সাইড মে মানে প্রফিট লিখা আর ইস সাইড মে অ্যাভেলেবিলিটি লিখা। তো এ বাত মানে আউটলাইন কর লিয়া, তো এক কাম কর লেতে না, হাম লোগ মান লেতে হ্যায় কে জো এ প্রোডাক্ট হ্যায় দ্যাট মিন্স জো টেবিল ওয়ালা প্রোডাক্ট থা, মানে মান লিয়া কে লেট এক্স ইউনিট, মানে মানা কে এ কিতনা ইউনিট প্রোডিউস করেগা, এক্স ইউনিট বানায়েগা, আর এ ওয়ালা মানে মানা কে ওয়াই ইউনিট বানায়েগা, কুছ না কুছ তো ইউনিট বানায়েগা, এক্স আর ওয়াই মে কুছ না কুছ তো ইউনিট বানায়েগা, তো এ সব বানায়েগা। তো ইসকো মে ক্যা লিখা, ঠিক হ্যায় চলো মানে মান লিয়া লেট এক্স নাম্বার অফ ইউনিটস, লেট এক্স নাম্বার অফ ইউনিটস অফ এ প্রোডিউসড, অফ এ প্রোডিউসড, এক্স নাম্বার অফ ইউনিট ক্যা হোগা এ প্রোডিউসড হোগা, ওয়াই নাম্বার অফ ইউনিট বি প্রোডিউসড, ওয়াই নাম্বার অফ ইউনিট, ওয়াই নাম্বার অফ ইউনিটস অফ বি, ওয়াই নাম্বার অফ ইউনিটস অফ বি প্রোডিউসড, ঠিক হ্যায় এসে বাত। আব দেখো তো আগর এক্স ইউনিট এ বানায়েগা আর ওয়াই ইউনিট বি বানায়েগা তো মুঝে ইয়াহাঁ পে বোল পাওগে টোটাল কিতনা প্রফিট হোগা, টোটাল কিতনা প্রফিট হোগা, বল পাও কই, এক ঠো, এক ঠো এ সেল করনে মে 600 কা প্রফিট হো রা হ্যায় তো এক্স ইউনিট সেল করনে মে কিতনা প্রফিট হোগা, স্যার 600 600X, আর এক ঠো বি সেল করনে মে 500 কা প্রফিট হো রা হ্যায় তো ওয়াই কোয়ান্টিটি বি সেল করনে মে কিতনা প্রফিট হোগা, 500 ওয়াই 500 ওয়াই, 500 ওয়াই, টোটাল এই প্রফিট হোগা না, টোটাল এই প্রফিট হোগা, হ্যাঁ টোটাল টোটাল এই প্রফিট হোগা। আচ্ছা ম্যানুফ্যাকচার, ম্যানুফ্যাকচার ইসকো হ্যাঁ এই মুঝে প্রফিট
इसी को मुझे मैक्सिमाइज करा दीजिए, इसी को मुझे मैक्सिमाइज करा दीजिए, अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। इसी को मैक्सिमाइज करना है ना, यही तो मेरा प्रॉफिट है। इसको मैं एक फंक्शन नाम दिया, ये मेरा एक फंक्शन है। सपोज मैंने बोला ये मेरा एक फंक्शन है, इस फंक्शन को मैंने क्या नाम दिया, सपोज दिस इज जेड, इसको मैंने क्या नाम दिया, जेड। यही तुम क्या चाहते हो कि सर यही मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम हो जाए एक्स आर वाई। सर एक्स आर वाई में अपने मन मुताबिक वैल्यू बसाई, अपने मन मुताबिक कैसे वैल्यू बैठाए, मुझे नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए आर प्रोडक्ट वी ये तो लिमिटेड है, क्योंकि मेरे पास स्टॉक, मेरे पास मटेरियल भी तो लिमिटेड है, तो मुझे देखना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाना पड़ेगा। तो देखो तो ये वाला तो प्रॉफिट का बात है, जब ये वाला बात प्रॉफिट का है, जब ये वाला बात प्रॉफिट का है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज ना, तो मैक्स लिख दिए। क्यों सर इसको मैक्सिमाइज क्यों लिखे, कारण ये वाला बात किसके लिए हो रहा है, प्रॉफिट के लिए हो रहा है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज। तो मैक्स जेड, मैक्स जेड, मैक्स जेड, ये मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, इसीलिए हम लोग को मैक्सिमम करना पड़ा, प्रॉफिट है इसी को, इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ा, मैक्सिमाइज करना पड़ा। अब देखो तो एक बात, एक तो ए बनाने में कितना आर वन का रिक्वायरमेंट हुआ था, एक तो ए बनाने में कितना आर वन का रिक्वायरमेंट हुआ था, 1 1 मिनट, 1 यूनिट। तो बोलो तो एक तो ए बनाने में अगर 1 यूनिट आर वन चाहिए, तो एक्स एक्स क्वांटिटी ए बनाने में कितना आर वन चाहिए, एक्स एक्स सही है ना। तो मुझे बोलो तो एक्स, एक तो आर वन बनाने में, सॉरी आर वन नहीं, एक तो ए प्रोडक्ट बनाने में, सपोज वो टेबल नाम दिया, सपोज एक तो ए प्रोडक्ट बनाने में एक तो आर वन लग रहा है, एक्स यूनिट के लिए सर एक्स लगेगा, एक्स इंटू वन। एक तो बी आर वन तुम्हारे पास कितना अवेलेबल है, आर वन कितना अवेलेबल है सर, 5 पीस अवेलेबल है, आर वन 5 पीस अवेलेबल है, 5 यूनिट्स अवेलेबल है, तो ए हो गया। एक तो बी बनाने में कितना आर वन लग रहा है, एक तो बी बनाने में एक तो आर वन लग रहा है, वाई के लिए कितना लगेगा सर, वाई इंटू वन। तो बोलो तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू मस्ट भी क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5 ना, बोलो एक्स प्लस वाई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए ना। अरे बेटा, तुम्हारे बट पास, आई बोल, देखो तुम टेबल चेयर बना रहे हो, अच्छा तुम नहीं बना रहे हो, क्योंकि तुमको तो बोला जा रहा है बात, मैन्युफैक्चरर बना रहा है, मैन्युफैक्चरर बना रहा है, तो मैन्युफैक्चरर बोला कि देखिए ये वाला जो साल ट्री है ना बगल में ही है, बोला कि ये जो साल ट्री है ना ये मेरे पास 5 क्यूबिक फीट है, 5 क्यूबिक फीट है। अब मैं यहाँ से ये जो वुड है यहाँ से मैं टेबल चेयर बनाऊंगा, काट काट के टेबल चेयर बनाऊंगा। तो बोलो तो एक ठो ए बनाने में, एक ठो टेबल बनाने में आर वन क्या कितना लग रहा है, 1 यूनिट, तो एक्स यूनिट में कितना लगेगा, एक्स, एक तो बी बनाने में आर वन 1 यूनिट लग रहा है, मैं बोलना चाह रहा हूँ टोटल जो मैं टेबल चेयर बना रहा हूँ तो मुझे कितना यूनिट मटेरियल यूज हो रहा है मेरा, एक यूनिट के लिए, एक तो ए के लिए एक तो आर वन चाहिए, एक्स के लिए एक्स चाहिए, एक तो बी के लिए आर वन एक तो चाहिए, तो वाई के लिए वाई चाहिए, तो मेरे पास टोटल कितना आर वन अवेलेबल है, टोटल आर वन कितना अवेलेबल है बोलो, इसी पांच में से सर तो, अरे ये मेरा 5 क्यूबिक फीट है, मानो कि ये मेरा क्या है, 5 क्यूबिक फीट लकड़ी है, इसी में से तो मुझे काट काट के यूज करना पड़ेगा ना टेबल चेयर बनाने के लिए। तो ये वाला वैल्यू उससे कभी ज्यादा हो पाएगा क्या सर, इक्वल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कभी है कभी सर, बच जाता है ना, कभी कभी सामान क्या हो जाता है, बच जाता है, बाद में फिर लाएंगे फिर यूज करेंगे। ये आर वन का बात कर लिया मैंने, मैंने किसका बात किया, टोटल आर वन कितना अवेलेबल था ए आर बी के लिए कर लिया। अब टोटल आर टू कितना अवेलेबल है सर, 12 अवेलेबल है। बोलो तो एक तो ए बनाने में, एक तो ए सामान बनाने में 3 यूनिट आर टू लग रहा है, एक्स यूनिट बनाने में कितना लगेगा, थ्री 3x थ्री एक्स, थ्री एक्स, अच्छा एक तो बी बनाने में आर टू 2 यूनिट लग रहा है, तो वाई यूनिट में कितना लगेगा, 2 i। टू बोलो तो ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, 12 होना बारह चाहिए ना, को बस बारो कॉम बाई इक्वल, 12 से कम या फिर इक्वल, 12 से कम या फिर इक्वल, उससे ज्यादा और क्या होगा सर, 12 से कम होगा या फिर उससे इक्वल होगा। अब बोलो तो यहाँ पे जो एक्स आर वाई है इतना तक तो हो गया, मतलब सर ये क्या डिटरमाइन करता है कि तुम्हारे पास रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल था, रॉ मटेरियल का रिसोर्सेस, तुम्हारे पास रॉ मटेरियल कितना था,
सर R1 5 मिनट था और R2 से 12 मिनट था, तो सर इतना मुझे ये काम करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स दिस इज द रेस्ट, दिस इज द कॉन्स्टेंट, इसको हम लोग कॉन्स्टेंट बोलते हैं कि रॉ मटेरियल जितना अवेलेबल है ऐसे ही बात होगा। अभी के लिए लेस देन आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल भी आ सकता है, वो दूसरा प्रॉब्लम के लिए। एक्स आर वाई बोलो तो, एक्स आर वाई नंबर ऑफ चेयर एंड नंबर ऑफ टेबल, नंबर ऑफ ए प्रोडक्ट नंबर ऑफ बी प्रोडक्ट, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा ना, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा हाँ ऑब्वियसली, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ऐसे थोड़ी है कि तुम घर में जाके बोल रहे हो कि मैंने 2 पीस चेयर बनाया और -3 टू टेबल बनाया, अच्छा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नेगेटिव में तुम कैसे क्वांटिटी बना दोगे? तो एलपीपी में एक बात है कि ये ऑलवेज नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन। तो देखो तीन टो फॉर्मेट है, तीन टो फॉर्मेट है, एक हुआ ये वाला, एक ये वाला हुआ, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जो है ये मेरे लिए क्या है, ये मेरा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये क्या है मेरे लिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ये वाला सर क्या है, ये वाला क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ। और यहाँ पे ये सब क्या है, आर द कॉन्स्टेंट्स, ये सब कॉन्स्टेंट है। हाँ ये सब को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये कॉन्स्टेंट। और इसमें क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, दिस इज द नॉन नेगेटिविटी, नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन, नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन, अच्छा नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन, नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन। तो देख पा रहे हो कि एक इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग बोलेंगे इस प्रॉब्लम का एलपीपी, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इस प्रॉब्लम का एलपीपी। अब हालांकि कितना एक्स वाई है वो तो हम लोग सॉल्व करने का टेक्निक देखेंगे, हालांकि दो वेरिएबल है ये ग्राफिकल में सॉल्व हो जाएगा, बट और भी टेक्निक है, सिंपलेस्ट मेथड है, और भी टेक्निक है जहाँ पे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए हम लोगों ने क्या किया, जो प्रॉब्लम था उसको हम लोगों ने ऐसे बनाया। देखो तुमको अगर एलपीपी फॉर्म करना है ना, तो दो चीज कुछ बात ध्यान में रखना है, अगर तुमको एलपीपी फॉर्म करना है, तुमको एलपीपी फॉर्मुलेशन करना है, अगर एलपीपी फॉर्मुलेशन करना है तो दो बात का ध्यान रखना। पहला बात क्या, नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल। सर डिसीजन वेरिएबल मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुआ है ना, ये जो एक्स वाई है ना, ये एक्स वाई को हम लोग क्या बोलते हैं यार, एक्स वाई, ये जो एक्स और वाई है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीजन वेरिएबल। क्योंकि डिसीजन वेरिएबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि मुझे डिसीजन लेना है इसके ऊपर, कितना क्वांटिटी ये बनाना है, कितना क्वांटिटी टेबल बनाना है, कितना क्वांटिटी चेयर बनाना है, तो मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। तो वो डिसीजन मैं ले पाऊंगा किस हिसाब से, वो मुझे कैलकुलेशन मेथड वगैरह देखना पड़ेगा क्या क्या मेथड है। तो ये सब वेरिएबल को एक्स वाई बोलेंगे। अब कोई बोला सर मानिए कि चार्ट टेबल के साथ वो दूसरा कुछ चीज भी बना रहा है, दूसरा कुछ चीज भी बना रहा है, तीसरा कोई सामान बना रहा है, तो उसके साथ अलमीरा बना रहा है सब कुछ, तो अलमीरा बना रहा है तो वहां पे मानो कि कितना अलमीरा बनाएगा, जेड क्वांटिटी, तो वहां पे डिसीजन वेरिएबल 3 हो जाएगा। मतलब एक कंपनी, एक मैन्युफैक्चरर कितना प्रोडक्ट बना रहा है पहले तो वो देखना पड़ेगा ना, जितना प्रोडक्ट वो बनाएगा, जो जो प्रोडक्ट बनाएगा, जितना टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा वो सबके लिए, मानो कि टेबल बना रहा है कितना टेबल बनाएगा, एक्स यूनिट, चेयर बनाएगा कितना यूनिट बनाएगा, वाई यूनिट, अलमीरा बनाएगा कितना यूनिट, जेड यूनिट। तो पहले तुम देख लो कि तुम्हारे पास जो जो बात बोला जा रहा है वो मैन्युफैक्चर नंबर टोटल क्या क्या प्रोडक्ट बना रहा है, तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बनाएगा उसके लिए वेरिएबल लेते जाओगे। तो पहले तो तुमको समझना पड़ेगा कि डिसीजन वेरिएबल यहाँ पे कितना है, पहले तुमको समझना पड़ेगा कि डिसीजन वेरिएबल कितना है, नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल कितना है, नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल कितना है, नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल कितना है,
নাম্বার টু অবজেক্টিভ ফাংশন, অবজেক্টিভ ফাংশন। আচ্ছা ক্যা বাত হ্যায় কি, নাম্বার অফ ডিসিশন ভেরিয়েবল লেনা হ্যায়, নাম্বার অফ ডিসিশন ভেরিয়েবল দেখনা হ্যায় কিতনা হ্যায়, নাম্বার অফ ডিসিশন ভেরিয়েবল দেখনা হ্যায় কিতনা হ্যায়। আর অবজেক্টিভ ফাংশন মানে জো ভি কাম হাম লোক কর রহে হ্যায়, আগর প্রফিট কা বাত হ্যায় তো এই হোগা, আর এসা ভি হো সকতা না কি মানো কে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টিং কা বাত হো রহা হ্যায়, যে মুঝে কুছ চিজ ঘটানা পড়েগা, তো এ এ মিনিমাইজ ভি হো সকতা হ্যায়, এ অবজেক্টিভ ফাংশন জো হ্যায় না মুঝে পহলে ও লিখনা পড়তা হ্যায়, তো পহলে নাম্বার অফ ডিসিশন ভেরিয়েবল, অবজেক্টিভ ফাংশন, এ ম্যাক্সিমাইজ ভি হো সকতা হ্যায় অর মিনিমাইজ ভি হো সকতা হ্যায়, ডিপেন্ড অন দা কোশ্চেন। আচ্ছা ক্যা অবজেক্ট হ্যায়, নাম্বার থার্ড বাত ক্যা, নাম্বার থার্ড বাত ক্যা হোগা কে কনস্ট্যান্টস, এ ইসকো কনস্ট্যান্ট বলতে, কনস্ট্যান্ট মতলব তোমার পাস এ যে র ম্যাটেরিয়াল অ্যাভেলেবল থা, র ম্যাটেরিয়াল যে অ্যাভেলেবল থা, র ম্যাটেরিয়াল রিসোর্সেস, র ম্যাটেরিয়াল রিসোর্সেস যে অ্যাভেলেবল থা উসকা রেস্ট্রিকশন এ, হালাকি ইয়ে লেস দেন ইকুয়াল, লেস দেন ইকুয়াল হোনা জরুরি নেই হ্যায়, কোশ্চেন ওয়াইজ ইয়ে গ্রেটার দেন ইকুয়াল ভি হো সকতা হ্যায়। মানো কি তুম হেলথ কে উপর কনসিয়াস হো, আচ্ছা তুম ক্যা চাহতে হো কি হর এক দিন তুম এক ক্যালকুলেশন কিয়ে হো কি মুঝে ইতনা গ্রাম প্রোটিন লেনা হ্যায়, ইতনা গ্রাম কার্বোহাইড্রেট লেনা হ্যায়, আচ্ছা ইতনা গ্রাম ফ্যাট কনজিউম করনা হ্যায়, আব তুমনে ক্যালকুলেশন করকে দেখ লিয়া এ সব খানে মে ইতনা গ্রাম মে ইতনা সব প্রোটিন বগেরা ইয়ে সব মিল রহা হ্যায়, আব তুমকো মিনিমাম তুম চাহতে হো কি মুঝে পার ডে 50 সে লেকে 60 গ্রাম মুঝে প্রোটিন ইনটেক করনা হ্যায়, তো আব তুম জানতে হো কি এ সব জো খানা হ্যায় এগ হ্যায় অর হ্যায় উসমে এক এক কোয়ান্টিটি মে ইতনা গ্রাম মিল রহা হ্যায়, তো তোমারা টার্গেট আগে 50 গ্রাম হ্যায় তো তুম ক্যা চাওগে প্রোটিন, আগে মানো কি তুম প্রোটিন চাহতে হো 50 গ্রাম মিনিমাম লেনা, প্রোটিন তোমারা 50 গ্রাম হ্যায় তো ওহা পে মিনিমাম 50 গ্রাম হ্যায়, তো 50 গ্রাম ইয়া 50 গ্রাম সে জ্যাদা লেনা চাহতে হো তো তব গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 50 হোগা, আচ্ছা তো ওহা পে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট হ্যায়, মিনিমাম ইতনা রিকোয়ারমেন্ট হ্যায়, মিনিমাম ইতনা রিকোয়ারমেন্ট হ্যায়, মানো কি কোই তুম ক্যা করনা চাহতে হো কোই সেলিব্রেশন বগেরা করনা চাহতে হো জহাঁ পে তুম কোই খানা বগেরা বানাওগে জহাঁ পে বহুত জন তো তুমনে ইনভিটেশন দিয়া হ্যায়, তো ওহাঁ পে তুম যো সামান বগেরা লাওগে তোমারা ক্যালকুলেশন সিফ একই টাইম মে হোনা চাহিয়ে তাকি ক্যা হো যায় এসা না হো কে খানা কম পড় যায় ক্যুকি উসসে দিক্কত হো যায়গা, তো ক্যালকুলেশন ওহাঁ পে ক্যা হোতা হ্যায় অলওয়েজ গ্রেটার দেন ইকুয়াল, আচ্ছা জিতনা জিতনা মুঝে চাহিয়ে উসসে মে জ্যাদা হি লাউঙ্গা, মিনিমাম উতনা তো মুঝে লানা হি পড়েগা, তো ওহাঁ পে তব গ্রেটার দেন ইকুয়াল কা কনসেপ্ট চলতা হ্যায়, তো কোশ্চেন ওয়াইজ হম লোক বাত করেন, বাট সিম্পল সা বাত হ্যায় এ যো ফর্ম এলপিপি কাজ টোটাল তিন টো স্ট্রাকচার হ্যায় অবজেক্টিভ ফাংশন, দিস ইজ কল্ড দ্য কনস্ট্যান্ট অ্যান্ড দ্য ডিসিশন ভেরিয়েবল আর অলওয়েজ নন নেগেটিভ, ডিসিশন ভেরিয়েবল আর অলওয়েজ নন নেগেটিভ, তো ইসকো ক্যা বলতে হ্যায় হামলোক, ইসকো হামলোক বলতে হ্যায় আর দ্য কনস্ট্যান্টস, আর দ্য কনস্ট্যান্টস। অ্যান্ড নাম্বার ফোর ওয়ালা ক্যা হ্যায় নন নেগেটিভিটি রেস্ট্রিকশন, নন নেগেটিভিটি রেস্ট্রিকশন, ঠিক আছে নন নেগেটিভিটি রেস্ট্রিকশন, ঠিক আছে নন নেগেটিভিটি রেস্ট্রিকশন, একটু আর জায়গা থা হো গিয়া অলমোস্ট থোড়া সা হো গিয়া, একবার থোড়া সা রুকো হো গিয়া, এ সব জায়গা থোড়া সা আর কুছ জায়গা হ্যায় ইসকো আগে হাম লোক বোল দেঙ্গে তো কাম হো যায়গা হাম লোক কা, উসকে বাদ আপলোক অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম চালু কর পায়েঙ্গে। একটু ডায়াগ্রাম বানাও, হো চুকা হ্যায় 15-20 মিনিট চল রহেগা, এই জায়গা হাম লোক কা ইয়ে হো যায়গা, উসকে বাদ হাম লোক মেন চ্যাপ্টার মে চলা যায়েঙ্গে, উসকে বাদ হাম লোক মেন চ্যাপ্টার মে যায়েঙ্গে। ক্লাসিফিকেশন অফ অপটিমাইজেশন মেথড, হাম লোক ক্যা করনা পড়েগা, ক্লাসিফিকেশন ক্যা দেখ রহে হো কি ক্লাসিফিকেশন অপটিমাইজেশন মেথড, মতলব জো হাম লোগো নে এ টেকনিক সবই এ পুরা কাম ক্যা হ্যায় অপটিমাইজেশন, হাম লোক যে পুরা কাম কর রহে হো কিসকা কর রহে হ্যায় অপটিমাইজেশন, ক্লাসিফিকেশন অফ অপটিমাইজেশন মেথড, ক্লাসিফিকেশন অফ অপটিমাইজেশন মেথড, অপটিমাইজেশন মেথড ক্লাসিফিকেশন করনা হ্যায় অপটিমাইজেশন মেথড কা, ক্লাসিফিকেশন অফ অপটিমাইজেশন মেথড,
तो यहाँ पे क्या होगा, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिमाइज मेथड में क्या क्या क्लासिफिकेशन है। जो ऑप्टिमाइज मेथड होता है ना, क्लासिफिकेशन ऑप्टिमाइज मेथड में प्रॉब्लम को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट क्या है, द टाइप्स ऑफ सॉल्व प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसका क्या टाइप है। माने टाइप मतलब सर, ऐसा हो सकता है कि जो प्रॉब्लम है वो लीनियर है, हम लोग को तो लीनियर रहेगा, हम लोग जो प्रॉब्लम में काम करेंगे वो क्या होगा सर, वो क्या होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग होगा, दे आर द लीनियर। बट ऐसा नहीं है कि जो प्रॉब्लम होता है वो ऑलवेज लीनियर होता है। तो यहाँ पे 2 क्लासिफिकेशन आता है, एक आता है नॉन लीनियर, एक आता है नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, एक आता है नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स। अभी बात की है कॉन्स्टेंट्स का, कॉन्स्टेंट्स ये जो कॉन्स्टेंट्स है ना, एक कॉन्स्टेंट्स में क्या हो सकता है, एक कॉन्स्टेंट्स में हम लोग क्या किए थे, कॉन्स्टेंट जो है ना, ऑप्टिमाइजेशन विदाउट कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, ऑप्टिमाइजेशन विद कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, विदाउट कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, विदाउट कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। एक बार थोड़ा सा रुको तो, तो कांस्टेंट जो है 2 टाइप का काम यहाँ पे हो सकता है। जो कांस्टेंट है, एक क्या हो सकता है, तुम ऑप्टिमाइज कर रहे हो, ऑप्टिमाइजेशन विथ कांस्टेंट। तो हम लोग जिस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, ऑप्टिमाइजेशन विथ कांस्टेंट्स, ऑप्टिमाइजेशन विथ कांस्टेंट, एंड ऑप्टिमाइजेशन विदाउट कांस्टेंट भी हो सकता है, ऑप्टिमाइजेशन विदाउट कॉन्स्टेंट, ऑप्टिमाइजेशन विदाउट कॉन्स्टेंट। ऑप्टिमाइजेशन विदाउट कॉन्स्टेंट ये सब के लिए हम लोग काम नहीं करते, ऑप्टिमाइजेशन विदाउट कॉन्स्टेंट्स, विदाउट कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट का बात है, कांस्टेंट के बेस पे ये काम किया जा रहा है। अगर प्रॉब्लम के साइज पे देखने जाओगे तो एक होता है 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम, साइज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के साइज पे हम लोग जब काम करेंगे तो 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम होगा, और मल्टी डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम, और दूसरा होता है मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया, ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया के ऊपर 2 क्लासिफिकेशन होता है, ऑप्टिमाइजेशन, ये सब लिख के रखो और कुछ नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया में फर्स्ट बात आएगा 1 ऑब्जेक्ट मेथड, एक ही ऑब्जेक्ट है, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट, और एक ही प्रॉब्लम में ऑब्जेक्ट जो है, मतलब तुम्हारा टारगेट जो है डिफरेंट डिफरेंट टारगेट है, मैंने कभी मिनिमाइज कभी मैक्सिमाइज और भी कुछ बात हो सकता है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव मेथड। तो ये सब ऑप्टिमाइजेशन का डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो चलो ये कोई बात नहीं है, इसको सिर्फ अभी के लिए लिख के रखो, हम लोग जो एक अभी इसको करके हम लोग खत्म कर देंगे ये वाला काम, जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी। जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी मतलब, जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी का मतलब, अभी हम लोगों ने एलपीपी बनाया ना, अभी तो हम लोगों ने एलपीपी बनाया ही सर, ए एलपीपी आपने बनाया था, क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन था,
ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो था वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं या फिर मिनिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्स्टेंट था और यहाँ पे क्या था, नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पे था नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन। अच्छा तो क्या लिख रहे हो, एक आर्टिकल देखो यहाँ पे टू जनरल। प्रोटेक्ट हाँ द हाँ इसको 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 शॉट लेना नहीं। अच्छा हो गया ना। है सर। हाँ तो क्या लिख रहे हो, जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी, एलपीपी का जनरल फॉर्म, एलपीपी का क्या फॉर्म, जनरल फॉर्म। देखो बात क्या है कि अभी हम लोग ने जो बेसिक एग्जांपल लिए थे तो वहां पे मैन्युफैक्चरर दो प्रोडक्ट बना रहा था, बट देखो वो तो मैंने समझाने के लिए दो प्रोडक्ट बना रहा था, बट देखना एक एक कंपनी बहुत सारा प्रोडक्ट बनाता है, एक एक कंपनी बहुत सारा प्रोडक्ट बनाता है। मोबाइल बना रहा है, एसी बना रहा है, फ्रिज बना रहा है, टीवी बना रहा है, मल्टीपल पैरामीटर इन्वॉल्व है वहां पे। तो सर यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी नंबर ऑफ प्रोडक्ट नहीं, टाइप ऑफ प्रोडक्ट दो तीन चार पांच कुछ भी हो सकता है। सपोज मैंने माना कि जो वहां पे A1 A2, सपोज मैंने ऐसा लिया कि एक तो मैन्युफैक्चरर है, मानो कि A1 एक प्रोडक्ट है, वो X1 बना रहा है, जो X1 यूनिट बना रहा है। अच्छा X1 यूनिट, A2 एक प्रोडक्ट है, वो X2 यूनिट बना रहा है, ऐसे AN प्रोडक्ट है, वो X3 यूनिट XN यूनिट बना रहा है। ऐसा मानो, मैंने प्रॉफिट के लिए बात बोला, मानो कि एक यूनिट में प्रॉफिट हो रहा है C1, C1 रुपीज या फिर C1 यूनिट, C1 रुपीज जो भी बोलना है, डॉलर बोलो या फिर जो भी, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है मानो कि C2 यूनिट, ऐसे करके यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है मानो कि C1 यूनिट, C1 पर यूनिट, पर यूनिट आइदर जो भी तुम बोलो मुझे नहीं मालूम। जैसे जैसे प्रोडक्ट होगा, छोटा मोटा प्रोडक्ट होगा तो पर यूनिट में कम लाभ होगा, बड़ा प्रोडक्ट होगा तो ज्यादा लाभ होगा। एक गाड़ी है, एक गाड़ी बेचने में 1-1.5 लाख का लाभ हो सकता है बड़ा बड़ा कंपनी का, और छोटा मोटा कंपनी है मानो कि बिस्किट वाला कंपनी है तो एक बिस्किट सेल करने में 1 या 2 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है, बिस्किट का पैकेट। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, पर यूनिट लिखा है मैंने, C1 C2 का वैल्यू कोई कुछ भी हो सकता है। अब बोलो तो X1 एक यूनिट A1 प्रोडक्ट सेल करने में C1 का प्रॉफिट हो रहा है तो X1 के लिए कितना होगा, X1 के लिए कितना होगा, अरे C1 X1 ना, C1 X1 होगा तो हाँ X1 होगा। एक तो यूनिट सेल करने में C1 प्रॉफिट हो रहा है, और X1 यूनिट सेल करने में कितना होगा, C1 X1। X2 यूनिट के लिए कितना होगा, C2 X2। X3 यूनिट के लिए कितना होगा, CN XN, CN XN, क्लियर है, CN XN। तो क्या लिख रहे हो, मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, मुझे नहीं मालूम मैक्सिमाइज होगा या मिनिमाइज होगा, क्वेश्चन तो जो है वैसे रहेगा। जेड जो फंक्शन है क्या होगा, अगर प्रॉफिट वाला बात है तो क्या होगा, X1 C1 X1, एक तो प्रोडक्ट में C1 प्रॉफिट था तो X1 के लिए C1 X1, C2 X2, ऐसे करके क्या है, CN XN, यही मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यही मेरे लिए क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये मैक्सिमम मिनिमम वो डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन कौन सा है। अब सब्जेक्ट टू देखो, तो सब्जेक्ट टू देखो, सब्जेक्ट टू देखो, अब देखो ऐसा हो सकता है कि जो प्रोडक्ट तुम एंटो प्रोडक्ट है, और एंटो प्रोडक्ट में मानो कि तुम क्या कर रहे हो, ये एंटो प्रोडक्ट है और रिसोर्सेस तुम यूज कर रहे हो, तुम रिसोर्सेस रिसोर्सेस यूज कर रहे हो R1 R2 ऐसे करके RM। ए मानो के R1 तुम्हारे पास अवेलेबल है B1 यूनिट, R2 अवेलेबल है B2 यूनिट, R3 RM अवेलेबल है BM यूनिट, ऐसे कुछ है, पुराना वाला क्वेश्चन के साथ ही लिंक कर दिया। तो आप बोलो तो X1 जो यूनिट है, जो X1 यूनिट तुम्हारा क्या था, X1 यूनिट तुम्हारे पास क्या था, A1। तो बोलो तो X1 यूनिट तुम्हारे पास अगर A1 है, अब
ऐसा होगा ना कि R1 एक ठो X1 बनाने में कितना R1 लग रहा है? मैंने बोला कि एक ठो A1 बनाने में, ऐसा बोल दे क्या, साइड में लिख देते हैं, मानो कि एक ठो R1 बनाने में, एक ठो R1 बनाने में ऐसा साइड में A1 के लिए लिखना पड़ेगा, तब A1 के लिए लिखना पड़ेगा। माने मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक ठो A1 बनाने में ऐसा बात है, एक ठो A1 बनाना है, A1 के लिए पहले बोल रहे हैं हाँ, एक ठो A1 बनाना है तो कितना ये चाहिए, एक ठो A1 बनाने में सपोज मैंने बोला A11 लगता है, A11 पर यूनिट, क्या ये किसके लिए वाला बात बोले, ये वाला बात किसके लिए बोले, 1 यूनिट ऑफ A1, ठीक है। एक तो A1 बनाने में R1 कितना लग रहा है, R1 लग रहा है A11 यूनिट R1, ठीक है। एक तो 1 यूनिट B बनाने में कितना लग रहा है, 1 यूनिट ऑफ सॉरी A2 बनाने में कितना लग रहा है, मानो कि R2 जो लग रहा है वो लग रहा है A12 पर यूनिट। तो ऐसे बोलो तो एक तो यूनिट, 1 यूनिट ऑफ, 1 यूनिट ऑफ AM सॉरी AN, 1 यूनिट ऑफ AN बनाने में सपोज मानो के आर आर एम कितना लगेगा, आर एम क्या, हाँ आर एम ये कितना लगेगा, मैंने क्या बोला कि सपोज मानो कि A1 N यूनिट लगेगा, तो बोलो तो टोटल टोटल जो यूनिट होगा, पार यूनिट में A11 लग रहा है, पार यूनिट में A11 लग रहा है, तो X1 के लिए कितना यूनिट लगेगा, X1 के लिए कितना यूनिट लगेगा, A11 X1, X1 अच्छा यही लिखेंगे, अच्छा ये तुम लोग अगर मैट्रिक्स में समझना है और कुछ नहीं, अगर नहीं भी आ रहा है तो देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, A11 X1, उसके बाद क्या होगा देखो A12 X2 आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे करके क्या आएगा A1N X N। बट देखो एक क्वेश्चन तो मुझे मालूम नहीं है, लेस देन इक्वल वाला है, ग्रेटर देन इक्वल वाला है, मैक्सिमाइज है, तो यहाँ पे बात क्या हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल भी हो सकता है और ऐसे देना लेस देन इक्वल हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, इक्वल का केस भी है, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल कुछ भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। बट बोलो तो मेरे पास कितना अवेलेबल था, R1 कितना अवेलेबल था, B1, R1 B1 अवेलेबल, जनरलाइज कर रहे हैं ना इसलिए थोड़ा सा ऐसे हो रहा है। अब बोलो तो अब दूसरा वाला प्रोडक्ट कितना, दूसरा वाला रिसोर्स कितना है, सर B2 है, उसके लिए सेम बात, ये क्या होगा A21 X1, मैट्रिक्स में जैसे हम लोग काम करते हैं A22 X2 A2N X N ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल और इक्वल B2 एंड सो ऑन एंड सो ऑन, AMN X1 AM2 AM2 X2 एंड सो ऑन, AMN XN ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल और इक्वल BM। देखो मुझे नहीं मालूम क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, लेस देन इक्वल होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा, कभी इक्वल भी हो सकता है, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये सब आ गया कॉन्स्टेंट्स, मतलब ये सब कॉन्स्टेंट का मतलब सर कितना अवेलेबिलिटी था, कितना अवेलेबल था, कितना अवेलेबल था, या फिर रिक्वायरमेंट पैरामीटर भी इसको बोलते हैं। और जितना सारा वेरिएबल है, ये सब जो डिसीजन वेरिएबल था X1 X2 XN, ये सब जो डिसीजन वेरिएबल है, ये सब का वैल्यू क्या होगा, मैंने बोला ये सर ये सब का वैल्यू ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अच्छा माने नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन। तो देखो तो ये जो LPP हम लोगों ने बनाया, ये जो LPP हम लोगों ने बनाया, इसमें क्या बात देख पा रहे हो, तीन तो फॉर्मेट है, ये वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये वाला क्या है सर, ये वाला क्या बोले सर, ये वाला कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट मत बोल देना कोई, कॉन्स्टेंट्स इसको कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, और ये वाला क्या है नॉन नेगेटिविटी, नॉन नेगेटिविटी
রেস্ট্রিকশন, নন নেগেটিভিটি, রেস্ট্রিকশন। আচ্ছা এস স্যার, দেখো এক এলপিপি মে তিনটো ফরম্যাট, তিনটো এক এলপিপি কা জো বডি হোতা হ্যায় ইসমে তিন পার্ট হতে, অবজেক্টিভ ফাংশন উসকো হাম লোগ ম্যাক্সিমাইজ কর সকতে হ্যায় ইয়া ফির মিনিমাইজ কর সকতে হ্যায়, আর সাবজেক্ট টু মানে কনস্ট্যান্টস মতলব ক্যা ক্যা রিকোয়ারমেন্ট প্যারামিটার্স হ্যায় মতলব অ্যাভেলেবিলিটি, র মেটেরিয়াল অ্যাভেলেবিলিটি, আর ভি কুছ বাত হো সকতে হ্যায়। আর নন নেগেটিভিটি রেস্ট্রিকশন, এন ক্যা নন নেগেটিভিটি রেস্ট্রিকশন, তো ইয়াহা পে থোড়া সা বাত লিখ দেতে, এক্স ওয়ান এক্স টু ক্যা হো চুকা হ্যায়, দু তিন লাইন লিখেঙ্গে হাম লোগ কা কাম হো জায়েগা। হেয়ার এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স এন আর ক্যা আর ডিসিশন ভেরিয়েবলস অ্যান্ড বি ওয়ান বি টু বি এম আর এই যে রাইট মে হ্যাঁ এসব ক্যা হ্যায় রিকোয়ারমেন্ট প্যারামিটার্স, আর রিকোয়ারমেন্ট প্যারা মিটার্স দা কোইফিসিয়েন্ট সি ওয়ান সি টু। দেখো তো এ যে হতা এ পার ইউনিট মে হাম লোগ কা প্রফিট থা, হালাকি প্রফিট ভি হো সকতা হ্যায় ইয়া ফির কস্ট ভি হো সকতা হ্যায়, আগর হাম লোগ কোই চিজ ম্যানুফ্যাকচার কর রহে আগর উসমে হাম লোগ ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট দেখনা চাহ রহে মানে প্রফিট কা বাত নহি হ্যায়, উস কেস মে ক্যা হোগা চার্জ ইয়ে হো গিয়া শায়দ, একবার রুকো তো শায়দ বন্ধ হো জায়েগা, একবার রুক যাও। তো মানে ক্যা বলা কি হেয়ার এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স এন এ সব ভেরিয়েবল আর দে আর দ্য রিকোয়ারমেন্ট প্যারামিটার্স, অ্যান্ড ইহা পে যো কোইফিসিয়েন্ট এ সব হ্যায় সি ওয়ান সি টু সি এন ডিপেন্ডস অন দ্য কোশ্চেন, আগর কস্ট হ্যায় তো ওহাঁ পে কোই চিজ কা মিনিমাইজ করনা হ্যায় তো কস্ট কোইফিসিয়েন্ট হোগা, আর আদারওয়াইজ প্রাইস কোইফিসিয়েন্ট মতলব কোই চিজ সেল কর রহে তো উসকে লিয়ে প্রাইস কোইফিসিয়েন্ট, দ্য কোইফিসিয়েন্ট দা কোইফি সিএন্স সি ওয়ান সি টু সিএন আর কল্ড কস্ট কোইফিসিয়েন্ট আর কল্ড কস্ট কোইফিসিয়েন্ট অর প্রাইস কোইফি সিএন্স অ্যান্ড দা কনস্ট্যান্ট যো সব এক্স ওয়ান এক্স টু কে সাথ কোইফিসিয়েন্ট মে এ আই জে অ্যান্ড দা কনস্ট্যান্ট এ আই জে আই ক্যা হ্যায় ওয়ান সে লেকে এম তক হ্যায় শায়দ এম তক, আর জে ওয়ান টু এন তক, আর কল্ড স্ট্রাকচার আর কল্ড স্ট্রাকচার কোইফিসিয়েন্টস আর কল্ড স্ট্রাকচার কোইফিসিয়েন্টস। তো দেখো এই এলপিপি কা যো বডি হতা হ্যায় ইসমে তিন ম্যাটার করতা হ্যায়, অবজেক্টিভ ফাংশন, কনস্ট্যান্ট, নন নেগেটিভ রেস্ট্রিকশন, হালাঁকি হাম লোগ জব এলপিপি ফর্মুলেশন করেঙ্গে তো এই সব কে উপর হাম লোগ তব ডিটেলস মে কাম করেঙ্গে। আচ্ছা জ্যাসে জ্যাসে আবি কে লিয়ে ইতনা জাস্ট জরুরি থা, ইসমে হাম লোগ নে ইতনা সারা চিজ জেনারেল ফর্ম অফ এলপিপি জাননে সে হো জায়েগা, ইস প্রবলেম কো হাম লোগ নে ইয়ে কিয়া, নেক্সট হাম লোগ জো কাম লাস্ট করেঙ্গে ডেট না। তো দেখেন স্যার, হ্যাঁ লাস্ট ডেট দেখে নাও, আপ সুনো আব হাম লোগ কা চ্যাপ্টার চালু হো জায়েগা, নেক্সট সে হাম লোগ কা চ্যাপ্টার চালু হো জায়েগা, নেক্সট সে হাম লোগ কা চ্যাপ্টার চালু হো জায়েগা। কোন সা চ্যাপ্টার স্যার? অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম, অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম চ্যাপ্টার কা নাম হ্যায়, অ্যাসাইনমেন্ট মতলব ও নেই কি কোই চ্যাপ্টার কা মতলব কোই টপিকস পড় রহে হ্যায় উসকা অ্যাসাইন দিয়া, অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম জো চ্যাপ্টার হ্যায় হাম লোগ কা অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম, হর এক সাল ইহা সে কোশ্চেন আতা হ্যায় আর বহুত হি ইজি চ্যাপ্টার হ্যায়, আচ্ছা বহুত হি ইন্টারেস্টিং হ্যায়, অলগ হি হ্যায় মতলব এই মেথড সিখা দিখা দেঙ্গে, কুছ কোশ্চেন তুম লোগো প্র্যাকটিস করনা পড়েগা, অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম এ ক্যা হ্যায় তোমারা এই চ্যাপ্টার হ্যায়।
ये चैप्टर हम लोग चालू करेंगे। एक पैटर्न है, हम लोग उस पैटर्न को फॉलो करेंगे, वो पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे ताकि क्या हो ये एग्जाम में, इस पेपर का मेरा एक ही टारगेट है, एग्जाम में इसका बहुत अच्छे से स्कोरिंग होना चाहिए। ये पेपर स्कोरिंग अच्छा हो गया, अच्छे से सीख भी लेंगे, स्कोरिंग भी हो जाएगा। और ये पेपर का मतलब यहाँ पे है, रियल एनालिसिस ग्रुप थ्योरी में हम लोग वहाँ पे बहुत डीपली काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी काम होगा, ऐसा नहीं है, वहाँ पे थियोरिटिकल बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे थियोरिटिकल बैकग्राउंड हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट असाइनमेंट से सिर्फ क्वेश्चन होगा, ये जो जितना सारा बात किया ना ये सब नहीं होगा, अब सिर्फ क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट से हम लोग क्या करेंगे, अभी के लिए क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरी जब आएगा तो थ्योरी का बात करेंगे। असाइनमेंट प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम को हम लोग कब कराए, आज रात को या कल, कल 11 बजे आज रात से करावेन बोललाम। आ जाते करा बोले, कल आज के रात करा असाइनमेंट प्रॉब्लम। একটু লেট হতে পারে ক্লাসটা, নটা নটাই আছে না ক্লাসটা, হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে কাল আজ রাত 9 বাজে, নেই তো এক উসে পেলে এক ব্যাচ কে ক্লাস হ্যাঁ ঠিক আছে, 9 নেই তো 9:15 কো 9 বাজে কোশিশ কর লেগে, 9 বাজে হো যায়েগা, হ্যাঁ 9 বাজে হো যায়েগা, কোই ইস্যু নেই, স্যার 9 বাজে, হ্যাঁ বলো। স্যার ওই অ্যাপের স্যার রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছিলাম স্যার, জয়েন করেন। হ্যাঁ ওটা আমি দেখে নিচ্ছি, অ্যাপের ব্যাপারটা দেখে নিচ্ছি, আগে অ্যাপ আর না স্যার কোই আজকে জয়েন, ক্লাস আর একটু নোটটা দিয়ে দেবেন তো। ঠিক আছে আমি নোটটা দিয়ে দিচ্ছি, নোটটা আমি দিয়ে দিচ্ছি তাড়াতাড়ি। অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাপ মে আগে কোই জয়েন হোনে মে প্রবলেম হো রহা হ্যায় তো মুঝে মেসেজ করনা, মে ম্যানুয়ালি তুমি জয়েন কর দূঙ্গা, রিকোয়েস্ট ভেজনে মে প্রবলেম হো রহা হ্যায় তো মুঝে বোলনা, মে ম্যানুয়ালি তুমি জয়েন কর দূঙ্গা, আচ্ছা আর ঠিক হ্যায় তব রেগুলারলি তুমি লাইভ ক্লাস করতে রহো, অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম হম লোক আজ রাত 9 বাজে কো করেঙ্গে, হ্যাঁ চলো তব, আচ্ছা ক্লাস কো তব এন্ড কর দিয়ে, ঠিক হ্যায়।